Assalamualaikum, good morning Pakistan. आदत ही खत्म हो गई है, इतनी सारी लाइट्स मुंह पे पड़ती हैं, बिल्कुल वो मॉर्निंग का इफेक्ट आता है, वो डिम थोड़ी सी लाइट की मुझे आदत हो गई, लेकिन अजीब सी ना मेरी आंखें एकदम खुल जाती हैं, जितना भी बंदा डल हुआ होता है, जैसे ही ये सुबह का शो मैं शुरू करती हूँ एकदम वाइब्रेंट फीलिंग अंदर अंदर आती है। ये वाइब्रेंट फीलिंग उस वक्त भी आई थी जब एकदम पता चला कि ओहो ऐलान हो गया है चांद रात का। ये अचानक वाली जो ईद मुबारक है, कुछ लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया और कुछ लोगों ने जो है वो कहा कि यार हमारी तो तैयारी अधूरी रह गई। मेरे साथ क्या हुआ, जस्ट इमेजिन, मेरे साथ ये हुआ कि मैं रात का शो कर रही थी जो यहाँ करती थी, यहाँ से शो करके शाने सहूर जो शो करके मैं फारिग हुई हूँ, यानी कि पहले ही उसमें पता चल गया ब्रेक में कि कल है ईद। कोई तैयारी नहीं की, निदाया सर ने कोई शॉपिंग नहीं की हुई थी, मतलब इंतज़ार में थी ताज़ा गोश्त ताज़ी सब चीज़ें आएंगी, क्योंकि कल तो ईद नहीं है ना, मतलब कल तो चांद रात है, सुकून से जाके ना अपनी तैयारी करेंगे, रेसिपी सोचेंगे क्या पकाना है क्या नहीं पकाना। अच्छा जी, अब जी पहले ब्रेक पे मुझे पता चला कि चांद रात है आज और कल ईद है, मैंने सबसे पहले कुक को फ़ोन किया, उनको बोला भाई कहीं से भी मुर्गी, उस वक्त बज रहे थे रात के कोई 11:30, ठीक है, मैंने कहा जब अभी जाओ देखो कहीं से भी मुर्गी मिले गोश्त मिले फलाना ढमाका ये उठाओ। अब तो ये देसी खानों की रेसिपी तो मैंने बता दी, अब मुझे यूट्यूब पे सर्च करनी थी अंग्रेज़ी खानों की रेसिपी कैसे करती, वो तो शो में बिजी थी मैं, हर ब्रेक में उस कुक को घर से लेकर आओ उस कुक को घर से लेकर आओ, मतलब लाइक जब मेरी तो छुट्टी पे चले जाते ना काम वाम करके, उसके बाद रात भर ये ट्रांसपोर्टेशन होती रही, फिर जो है घर पहुंची हूँ, जाके मैं घर पहुंची कोई 3:30 रात के, मैं जाके मैंने जल्दी 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 देखा कि क्या पकाना है क्या, उसके बाद उसकी शॉपिंग करने गाड़ी भेजी है, शुक्र है मुर्गी मिल गई 3:30 भी, बाज़ार थोड़ा बहुत खुला हुआ था, तो उसके बाद होते होते 6:30 मैं सारे काम वाम से फारिग होके कपड़े निकलवा के ये वो हज़ार बंद सब निकलवा के लेटी हूँ, तो यासिर ने बोला यार मतलब लाइक उस वक्त 4:30, कहते आप सोते नहीं हैं नहीं तो नमाज के लिए आँख नहीं खुलेगी। अच्छा जी 6:30 तक जागती रही कि इनको नमाज के लिए उठा के फिर सोऊंगी। जैसे ही मैंने इनको उठा कर तैयारी के लिए भेजा है कि जाओ नहा दो नमाज के लिए तैयार हो, तो मैं लेटने लगी, मैंने काशी को SMS किया, मैंने कहा ये बड़ा मैंने सारे रोज़े रखे हैं, बड़ा दिल चाह रहा है कि मेहंदी लगाऊं, तो मैं समझी कि भाई बंद हो गया होगा सेकंड डे बुला लेगा, कह रहे अभी आ जाए, मैंने कहा है मैं जल्दी भागी, उस वक्त ड्राइवर भी नमाज के लिए जा रहा था, तो मैंने जल्दी से खुद ही गाड़ी चलाई और मैं काशी भागी और वहाँ 7:30 घुसी हूँ, क्योंकि वो प्राइवेट किसने लगाए, वैसे वो सबको लगा नहीं रहा था मेहंदी, मुझे ख़ास तौर पर लगवा दी, तो मैं वहाँ से फारिग हुई हूँ 10:30 कोई, मैंने अब तो खैर ख़राब हो गई है मेहंदी, लेकिन मैंने तस्वीरें दी हैं अपनी मेहंदी की, मैं आपको भी दिखाऊंगी बाद में। फिर क्या हुआ, अभी अगर निकाल सकते हो तो दिखा सकते हो तो दिखा दो, इतनी खूबसूरत मेहंदी वहाँ पे लगाई मैंने, कोई 3-4 घंटे ही देखे ना, ये मेरे पीछे वाले हाथों पे और आगे वाले हाथ वाली भी तो है, वो डॉल वाली वो भी भेजी थी, एक और थी, हाँ ये मैंने इतने 3 घंटे बारीक बारीक मेहंदी लगाई, और एक और है डॉल वाली, हाँ एक और तस्वीर होगी ये वाली, ये देखिए ओहो ये मेहंदी लगवाई 10:30 निकली हूँ, सारी दुकानें ढूंढती रही कि अंग्रेज़ी खाने बनाने के लिए कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी मुझे नहीं मिला। खैर मैं अपनी कॉलोनी के अंदर आ गई, वहाँ हमारी शॉप होती है वो खुली थी, उससे मैंने जैसे तैसे शॉपिंग की, खाना बहुत अच्छा हमारा जल्दी जल्दी में बन गया, होते होते यासिर तो नमाज वमाज पढ़ के फिर से सो गए थे, एक दफ़ा उन्होंने अपनी नींद 2-3 घंटे पूरी कर ली, मैं जाके बिस्तर पर लेटी हूँ 1:00 1:15 हुआ होगा, यासिर उठ गए, ना उसे फैलाई भी है ईद का दिन है सो रही हो, मैंने कहा अल्लाह अभी 15 मिनट तो हुए थे, उठा दिया मुझे, और उसके बाद फिर जो मेकअप तैयारी ये वो मेहमानों, क्योंकि दोपहर का लंच होता है हमारे यहाँ, तो मैं 24 घंटे चांद रात से ईद तक जागती रही हूँ, और फिर उसके बाद सेकेंड डे थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया था। तो ये तो थी जी मेरी ईद की तैयारी और हबड़ दबड़ वाली चीज़, लेकिन इस हबड़ दबड़ वाली ईद में भी हमारे सेलिब्रिटीज़ की तैयारियाँ कुछ कम नहीं रही, उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से ईद सेलिब्रेट की, और वो भी क्वारंटीन में कोविड में अपने घर वालों के साथ कैसे ईद मनाई, आइए दिखाते हैं आयजा को कि कैसे वो तैयार हुई, कैसे उन्होंने अपने बच्चों को तैयार किया। ये
तो ये जो फोटो सेशंस और ये सब, इसकी वजह से अगर आप बहुत सारे लोगों के साथ ईद नहीं भी मना रहे होते तब भी आपका दिन बहुत अच्छा गुजर जाता है. सबकी वीडियोस, सबकी थोड़ी थोड़ी तस्वीरें, इनको तैयार हुआ देख के मज़ा आता है. अब मैं आपको दिखाती हूँ, एक तो आयजा बहुत अच्छे से तैयारी करती है और हिरा, मुझे उनके बच्चे और मियाँ की तैयारी नज़र नहीं, उनकी बहुत तैयारी नज़र आती है. साड़ी तो फलाना डमाका, पता नहीं क्या क्या तैयारियाँ हिरा की होती है. शौकीन है वो, उसने बताया है मुझे इतना शौक है तैयार होने का. आइए मैं उसकी ईद की तैयारी आपसे शेयर करती हूँ. देखिए भाई, हिरा तुमने तो फैमिली के साथ, इमीडिएट फैमिली के साथ अपनी सेलिब्रेशन की और वो गलती से हाथ के बजाय पेट पे भी मेहंदी लग गई, या तो नींद में लग गई होगी, आई डोंट नो, या कोई नया फैशन है. अब मैं आपको दिखाऊंगी सारा खान की पिक्चर्स. मतलब फलक के साथ वो होती हैं तो उनको लगता है वो अपनी फुल कायनात के साथ है और ऐसा ही होना चाहिए. आइए सारा खान की ईद की खूबसूरत पिक्चर्स आपसे शेयर करते हैं. तो ये थी सारा खान की तैयारी और फुल रोमांटिक फूल दिए गए फलक की तरफ से. वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, है ना. अब आ जाए यमुना. यमुना हलीम लेके, खाना लेके पहुंची हुई थी सोनिया हुसैन के घर, वो मैंने देखा था. आइए देखते हैं यमुना की तैयारी कैसी थी. खुबरा की तैयारी भी किसी से कम नहीं. मैंने तो उनकी अम्मी के साथ भी उनकी पिक्चर्स देखी हैं. आपने देखी है? चले मैं आपको दिखाती हूँ. अब मैं दिखाऊंगी दुबई में मनाई गई ईद, शोएब मलिक और सानिया की इकट्ठे, वो देखिए. हाँ जी. अच्छा, बड़े मज़े की बात यह है इस दफ़ा, या बस हर दफ़ा ये ट्रेंड होने लगा है जो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइनर्स हैं. जैसे मुझे भी फरहत आलिब अज़ीज़ ने ये जोड़ा जो मैंने पहना है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, मुझे और मेरी बेटी को एक जैसा जोड़ा बना के हमने ट्विनिंग की. और इसी तरह बहुत सारे जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने अलग अलग सेलिब्रिटीज़ को अपने कपड़े गिफ्ट में भेजे और फिर उन्होंने टैग किया, अपने इंस्टा पे पिक्चर्स डाली. फरहत आलिब अज़ीज़ ने बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को पिक्चर्स, सॉरी कपड़े भेजे थे. और आपको पता है लाइक एकदम ईद होने की वजह से मेरे पास ये जोड़ा पहुंचा था चांद रात, जो एकदम वाली चांद रात थी, लाइक सुबह 5:30 बजे ये जोड़ा पहुँचा था मेरे पास. और अब मैं आपसे एक लास्ट पिक्चर शेयर करूंगी अहमद अली भट्ट की और फिर हम छोटे से ब्रेक पे जाएंगे और हम आज कुछ सेलिब्रिटीज़ को बुला के उनकी तैयारी क्या पकाया. ईद की एक तैयारी जो होती है ना, उसकी तो बातें ही रह जाती है, उसकी पिक्चर्स ही अभी इन्जॉय कर रहे होते, वो एक हफ्ते तक दावतें ख़त्म ही नहीं होती. अभी भी बहुत सारे लोगों के यहाँ जहाँ थोड़े, क्योंकि आप थोड़े थोड़े लोग करके दावतों में बुलाया जा रहा है, एक साथ जब घट्टे के साथ कोरोना की वजह से नहीं बुला रहे तो 5-6 लोग करके अलग अलग दावतें की जा रही हैं. तो अभी भी बहुत सारे लोग जा रहे दावतें अटेंड करने और ये इस वीकेंड तक चलेगी चीज़, थोड़ी थोड़ी लोगों को बुला के दावतें करना. अब मैं अहमद अली भट्ट की आपको दिखाऊंगी तैयारी और उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, फिर हम आपसे बहुत सारी मज़ेदार बातें करेंगे रिगार्डिंग योर ईद तैयारी एंड आर सेलिब्रिटीज ईद तैयारी.
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हम अब बात थोड़ी पुरानी हल्की हल्की सी हो गई, लेकिन अभी भी मैंने आपको कहा जैसे कि छोटी छोटी दावतें जो हैं वो अभी भी जारी हैं, क्योंकि ज़्यादा लोगों को एक साथ जमा नहीं कर सकते, इसलिए हमने कहा कि आज हम अपना जो शो है वैसा रखते हैं कि ईद की तैयारी, जो एकदम ईद की तैयारी है, क्या वो वैसी ही हुई जैसी प्लान्ड होती थी पहले। आज हम आपको अपनी सेलिब्रिटीज से मिलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये एकदम वाली तैयारी कैसे की। हमारे साथ शेफ सामिया है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक, बिलेटेड ईद मुबारक, ईद का पूरा महीना होता है। हाँ, हमारे साथ समरा है, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ अंबर है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम, ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, ईद मुबारक। हमारे साथ शेफ फरा है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, आपकी तो डबल डबल ईद है, मेरी तो डबल ईद है, बहुत बिजी रही हैं आप, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। और हमारे साथ रबाब है, ये अचानक मेहमान, कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और हमारे साथ मारिया है, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। माशाल्लाह, हमारी जो सारी जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने, मुझे उम्मीद है अच्छे से ईद मनाई होगी, बहुत एकदम वाली ईद अच्छे से मनी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी बनी, कोई चीजें तो नहीं रह गई दर्जी के पास? नहीं नहीं, रह गई थी मेरी तरफ, रह गई थी सारी, रह गई थी दर्जी के पास। नहीं यार, अगर मैं ना एग्जीबिशन से उठाती कपड़े तो मेरे ईद के कपड़े नहीं थे मेरे पास, वो तो अच्छा हुआ मैंने ले लिए, कोई जोड़ा नहीं दिया है दर्जी ने, एक जोड़ा नहीं दिया। शुक्र है मैं दर्जियों के चक्कर नहीं लगाती, इसी रोने से मैं बचती हूँ हमेशा, क्योंकि दो तीन दफा इतने बुरे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं। मैं कहती हूँ कि बंदा पहले से खरीद ले, रेडीमेड ले ले जाके, लेकिन टेलर के पास ना जाए। इसका मतलब हम, मैं तो ढीठ हूँ हमेशा, हर साल का रोना है। मेरा हस्बैंड ये कहते हैं तुम्हारा हर साल का रोना है कि तुम रोती रहती हो कि तुम्हारे कपड़े इतने तैयार हुए, मगर वो होता है। मैं भी वैसे दर्जी के चक्कर नहीं लगाती, मैं भी समरा की तरह नहीं, मैं रेडीमेड खरीद के रख लेती हूँ। और इस ईद पर मैंने एक्चुअली शॉपिंग की ही नहीं थी, मैंने पहले से ही लेके रखे हुए थे, जब पसंद आते हैं रखे हुए थे, अच्छा ये पैक है, चलो ये नया जोड़ा पहन लेते हैं। मैंने भी ये सोचा था इस दफा मैंने कुछ नहीं बनाना, और मैं मुश्किल से दो दफा निकली हूँ रमजान में बाजार, अचानक मेरी बेटी ने ना मुझे दिखाने लगी ये ना, मैं कहा ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं कहा दिल आ गया ना, दिल आ गया बस। हाँ। किसी एकदम कपड़े पे जब दिल आता है ना तो मैं कहती हूँ बस ये अब ले ले लो। हाँ। ये मैं लेकर, मैं कहा नहीं छोड़ो ईद के बाद सिलवा, मैं कहा नहीं यार ऐसा ना तो कॉमन हो जाए फिर मैं कभी नहीं पहनूंगी। बस बेटी के कपड़े उसने कुछ खराब हुए, उसको रोना आया, आंसू टप टप टप, और मुझे रहा था कि नहीं यार ऐसे नहीं, मैं अपने निकाल रही हूँ, अली से ये पहन लो, तुम ये पहन लो, वो अब डाइट कर रही है, दुबली भी हो रही है। हाँ। थोड़ा मम्मा कोई बात नहीं पुराना पहन लूंगी, दिल खराब हुआ ना, मैंने फिर दर्जी फ्ला 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 जितनी लिस्ट है ना, टेलर 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 जैसे सब कॉन्टेक्ट किया। हाँ। एक ने सी दिया, एक मेरी दोस्त सकीना, उसने बहुत अच्छा चाइना एंड टाइम पे सिया, वो तो गला नहीं तो था। बेटी की बन गए फिर उसके भी, उसके साथ में मैंने अपना ये जोड़ा था। सुबह मैं रात 3 बजे शटर्स डले हुए थे, और फिर जाकर मैं दर्जी के पास गई, ये करना वो करना, फिर 4:30 बजे बेटी का जोड़ा मुझे, मैं कहा बहुत बुरी बात है, बेटी कभी नहीं सुधरेंगे, पहले से करना चाहिए आइंदा चांद रात पे। और मेरे पास हमेशा, आई डोंट नो, मैं बहुत कोशिश करती हूँ चांद रात पे ही मुझे कपड़े मिलते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं क्या। और अब इस दफा भी है, बेटे के चांद रात खराब हो गए कपड़े, उसके भी टेलर के वो साइज मेरे हस्बैंड को है, बेटे को नहीं आया। तुमने क्या सोच के इसके कपड़े बनाए हैं, और तुम हमेशा बनाते हो, तो मैंने ये तुमने क्या सोच के बनाया जो मेरे हस्बैंड को आ रहे हैं उसको नहीं आ रहे। और टेलर कभी कपड़े खराब नहीं करेगा, सिर्फ ईद के मौके पे करेगा। अभी गुजारा कर ले जिसको इतने सारे लोगों ने देख रहे हैं, क्या फायदा। अच्छा, इतनी पंचायतों से बचने के लिए मेरे लिए, मैं इस टाइम में लकी हूँ कि मेरे तो रमजान से पहले कपड़े सिल चुके होते हैं, तुम्हारे तो तुम्हारे डिजाइनर तो मेरे डिजाइनर तो मेरे ना कपड़े ईद से पहले रमजान से पहले। अच्छा, तुम पहले से ही रमजान से पहले ही सारा काम करवा के रख लेते? हाँ, कि भाई उस वक्त डिजाइनिंग जो उनको करनी होती है वो अपने हिसाब से कपड़े पर लाके ये सिलवाना वो सिलवाना। कहते हैं रमजान में मुझसे रोजा रख के मैं दोस्तों में जा सकता हूँ, टेलर के चक्कर नहीं लगा सकता, काम भी आसान हो जाता है। मेरी भी हमेशा से यही आदत है, अभी भी यही आदत है कि पहले से ले लिया। रमजान में तो बहुत सालों से वक्त ही नहीं होता, बिल्कुल भी 6-7 साल हो गए। अच्छा, अचानक जब पता चला कि कल ईद है, चांद रात अनाउंस हो गई अचानक, तो मैं बारी बारी तुम लोगों से पूछूंगी। हम तुमसे शुरू करते हैं, क्या था? बॉम फटा था, हम लोग ऑलरेडी में हमें रात में ना उसके उसने वो रखा था डिनर, वही वाली बात थी। मैंने कहा कि चलो अब तो आराम से है, ये जोड़ा भी मिल जाएगा, बेटी का भी मैं
मुझे वहीं से स्ट्रेस हो गई डिनर पे, हाँ कि 11:30 बता रहे हैं, 12:15 और मुझे तो दर्जी के अब वो तो मुझे कल देगा। फिर मैंने फोन, अच्छा फिर वो पहले दिन दावत थी, सेकंड डे दावत थी, करीब करीब इंजेक्शन हम सबने लगाए हुए हैं और कोविड भी हो चुका है, वैक्सीन कराई, इंजेक्शन ये वाला चार निकाल लेंगे, कहेंगे इंजेक्शन हम सबने लगाए। लोग देख रहे होते हैं ना, बहुत से लोग उनको इंजेक्शन लगता है, नहीं लोग समझेंगे व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगा रहे हैं, सारे इंजेक्शन आ गए, आज अंबर ने एतराफ कर लिया इंजेक्शन लगाने का और हम सब भी आ जाएंगे उसको। हाँ, और सबसे व्हाइटनिंग इंजेक्शन के सवाल होने के लिए इंजेक्शन, अगर मैं लगाऊं व्हाइटनिंग मैं कह दूंगी हाँ लगा है, मुझे नहीं कोई शर्म आ रही है। देखो कभी ना कभी इस एज में आके लगाते ही है ना, लगाना पड़ेगा, क्यों नहीं लगाना भाई, ये गोरा होने तुम्हें तो गोरा होने की जरूरत ही नहीं है, तो वैक्सीन भी वैक्सीनेशन कोविड वैक्सीनेशन वरना पोलियो के कतरे लिखे तो बस सारे चेंजेस किए कुत्ती को कर, नहीं नहीं अब आप ऐसा करें दिन में नहीं, आप सुबह कर ले रात में नहीं, सेकंड डे शिफ्ट होगा क्योंकि जो दावत है एक एक दिन आगे बढ़ा दी। हाँ क्योंकि उसका सुबह में होता है, उसने कहा यार मेरी तैयारी नहीं है, जो दोस्त है सकीना क्या, तो उसने कहा कि अब तुम रात में रखना, तो सब मैंने वो की और दर्जी को एक के बाद एक जैसे नहीं था, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम हो माँ साहब कितने बजे कहाँ मिलेंगे कह रहे मैं ये आलम था मेरा और एकदम एकदम। अच्छा मजे की बात है, सब गई शटर नीचे करवाया और फिर मैंने बताया कि ये लेस ना ये यहाँ पे भी लगा देगा, हाँ ठीक है, मुझे ख्याल है ऐसा ना हो भूल जाए। फिर मैं वापस गई उसके पास, शटर ऐसा डाला था मुझे पता ही चल रहा कौन सी दुकान थी, मैं ढूंढती रही और मोबाइल बंद। फिर वो मेरे साथ जो मेरा चौकीदार उसने कहा बाजी ये लग रहा है, एक पार्लर खुला हुआ था 3:30 वो भी ना वो भी शटर डाल के ये भी फन था कि मैं और मेरी बेटी चोरों की तरह शटर के नीचे कपड़े सारे काम है ना बाजी दुकान खुली आ जाओ इसलिए मैंने बहुत मिस किया वरना, क्योंकि हमेशा ये होता था कि जब भी चांद रहा था मैं रात के 3:30-4 बजे आती थी, मुझे डॉर्मन भी जाना होता था, मुझे मेहंदी भी लगानी होती थी जब पार्लर बंद करती थी अपना तब, और साथ में फिर खा पी के घूम घाम के फिर मैं घर आती थी, हमने मेरे घर पे पहले दिन दावत मेरी वजह से सब फैमिली वालों ने रखी थी कि समरा के घर के ऊपर दावत है। अच्छा अब हमने प्रिपरेशन हाफ डन करके रखी हुई थी कि एक दिन चांद रात को हमने हलीम बनाना था, अब रात में मैं और अम्मी बैठे हुए, अब्बू भी काम पे गए हुए हैं, बच्चे भी सो रहे हैं इधर से उधर, मैंने टीवी खोला एकदम से आया कि जी चांद हो गया, ओ माय गॉड जैसे पांव के नीचे से जमीन निकल गई, अम्मी मुझे देखे मैं उनको देखूं, मैंने कहा अब क्या होगा, हमारी तो प्रिपरेशन नहीं है, कल हमारे घर प्रेत की दावत है, कैसे हलीम बनेगा। हमने वो दालें भी भिगोई हुई हैं, सब कुछ किया हुआ है, उफ जिस तरह से हम लोगों ने फिर पूरी रात जाग के हलीम बनाया, घोटा लगाया, क्या करते क्योंकि अगले दिन आपके पास इतना टाइम नहीं होता, आपने और भी चीजें प्रिपेयर करनी होती है, तो हमारा तो और मेरी बेटी की मेहंदी रह गई, अरसलान ने कहा था मैं एक दिन पहले तुम्हें ला दूंगा और वो चांद रात की वजह से वो नहीं ला सके, तो लेकिन खैर घर वालों के साथ बहुत अच्छी ईद गुजरी और बैक टू बैक मैं आई हुई होती हूँ ना तो सबको होता है कि भाई गेट टुगेदर रखना है, फिर एक दिन मेरी खाला के घर गेट टुगेदर हुआ, फिर हमारी फ्रेंड्स का एक गेट टुगेदर, तो इस दफा मैं उमर शरीफ साहब के भी घर गई, उनके साथ मैंने ईद सेलिब्रेट की, बहुत मजा आया उनके साथ, वाओ जबरदस्त, तो इट वाज रियली गुड, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार इस्लामाबाद में वो चीजें नहीं मिल सकती जो अपने यहाँ कराची में मिलेंगी, तो जितना फुलेस्ट हम एंजॉय कर सकते हैं ना करके, कोई ना हम ज्यादा जगह तो नहीं जा सकते थे, नहीं जा सकते, हमने करीब करीब जो इमीडिएट फैमिली कम कम हां वो, और सबको मुंह देना पड़ता है, मसला ये है कि मैं वो वाली बच्ची हूँ घर में कि अगर किसी से नहीं मिलूंगी ना तो वो सब नाराज हो जाएंगे कि ये समरा आई और हमसे नहीं मिली, खाला स्पेशल बीमार थी उन्होंने मेरी
वजह से दावत रखी और ये खाने इतने ढेर सारे जो समरा को पसंद है, पाए बनवाए, फलानी चीज करी। समरा तो बहुत गर्मी बहुत थी, लेकिन कपड़े तो तुम बताओ अचानक ईद चांद रात का। मेरी ईद तो चांद रात को ही स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि चांद रात जो है वो ईद से ज्यादा मजे की होती है। लेकिन एकदम जो एकदम जो अच्छा हुआ ये था कि मैंने ना अपनी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर रखी थी, अपना एक फ्रेंड सर्कल था, क्योंकि ईद पे तो सब अपनी फैमिलीज के साथ और हमें अब कोविड के साथ रहना आ गया है। तो हमने बड़ा सिलेक्टेड रखा हुआ था कि अम्मी को भी कहा था कि भाई आप लिमिटेड खाना बनाइएगा, खाला को भी बोला हुआ था, अपने घर पे भी बड़ा था। तो मैंने जिस दिन चांद दिखा है बेसिकली उस दिन मैंने अपने घर पे एक चांद रात गेट टुगेदर की हुई थी कि हम लोग आज ही मिल लेते हैं और आज ही मेहंदी वेहंदी और हंसी मजाक और ठट्टे करते हैं। आखिरी दिन क्या रखे, आखिरी दिन क्या भाई, वो तो जब हमारे यहाँ सब जमा हुए तो पता चला कि एग्जैक्टली चांद रात ही हो गए। और मैंने पूरा फर्श ही सेटअप लगवाया हुआ था, फुल लाइट्स थी, सारे फ्रेंड्स मेरे आए हुए थे, खाना था कोई 21-22 खाने थे, तस्वीरें, और हमने वन डिश कर ली थी कि ईद पे तो यार मुश्किल होगा, चलो हम लोग जो है ना वन डिश कर लेते हैं। तो वो इतने सारे खाने, तो मैं तो कहती हूँ वो हकीकतन कॉन्सेप्ट तो नहीं था चांद रात का, लेकिन वो गवर्नमेंट ने चांद रात बना दी, मतलब इस पे बॉम्ब नहीं फटा, इस पे मेरे को ये खुश हो गई इसने कहा चलो सही मौके पे मेरे घर की दावत हो गई। खूब मेहंदियां लगी और फिर मजा, फिर हम लोगों ने थोड़े गाने वाने भी गाए और बड़ा इंजॉय किया एक दूसरे के साथ, बड़ा खाना पीना हुआ, फिर रात के 1-1.5-2 बज गए, उसके बाद सब लोग बड़े खुश और हैप्पी गए। और पूरी तफसील तो मैं तुमसे तस्वीरें दिखा के पूछूंगी ना, अभी मैं आप लोगों से अपनी तस्वीरें शेयर कर रही हूं कि मैंने कैसे ईद सेलिब्रेट की, और उसके बाद फिर मैं अपनी सारे मेहमानों की तस्वीर एक एक करके आराम आराम से शेयर करेंगे। और ये सारे किस्से जो तुम इस वक्त बता रही हो तस्वीरों के साथ जो है ज्यादा ज्यादा मजा आएगा। हाँ तो आइए दिखाती हूँ कि मेरी चांद रात की तो एज सच पिक्चर्स यही की होंगी, क्योंकि मैं चांद रात आधी चांद रात तो आप लोगों के साथ ही गुजारी, 1:30 बजे तक तो मेरा शो ही हो रहा था। तो पहले दिन की ईद की दिखाते, आइए जी। हाँ जी, ये तो पहले दिन की थी ईद, जैसे मैंने आपको बताया कि दोपहर में लंच होता और किस तरह मैं इंट्रो में बता चुकी हूँ कि किस कैफियत से मैं गुजरी हूँ और 24 घंटे जागती रही हूँ, क्योंकि मैं भी सब ससुराल वालों की दावत होती है, रात को यहाँ से फारूक मेहंदी के शौक भी पूरे किए, जिसके घर दावत हो वो तो बेचारा घनचक्कर ही रहता है। मेरा बेटा हस्बैंड बोलते रहे मेहंदी लगवा लो मेहंदी, मैंने भाई किचन में घुस काम करना, मैंने बोला वापस बेकार है, मैं तो सारा काम वाम करके सुबह 7 बजे गई हूँ। कौन था भाई वो नेक इंसान? वो नेक इंसान काशिफ है, काशीष। मैंने 6:30 बजे SMS की, अल्लाह तो दिल चाह सारे रोजे रखे, मेहंदी तो लगवा लेती, तुम्हारा सलोन कब खुलेगा सेकंड डे? कह रहा है अभी आ जाए। सुबह खुद ही गाड़ी चला के जल्दी से उसके सलोन पहुंच गई, वो ज्यादा तो लोग थे ही नहीं, मैं अकेली थी बस, तो वो एक लड़की थी उसने मेरी ये मेहंदी मेहंदी तो वहीं की है, और उस लड़की जो मेहंदी आर्टिस्ट होती है उनका भी बड़ा उनका भी शुक्रिया अदा करे, चूर हो जाती है वो बेचारी 11:30 बजे फ्री हुई है। बहुत प्यारी लगाई है ना, हाँ ये देखो ये वाली नहीं दिखाई अच्छा। फर्स्ट डे तो हमारी दोपहर में लंच था, वो सारी बड़े मजे का सारा सब चीजें हो गई, उसके बाद जो है ना वो थोड़ी सी नींद आने लगी, लेकिन मैं नहीं सोई क्योंकि 7 बजे मेरा ड्रामा आना था। हाय, आपके ड्रामे ने ना बहुत तंग किया है, मेरी बेटी ने पागल कर दिया, उसने कहीं एड देख लिया, वो स्पेशल एक वीडियो भी आपको बना के देने वाली थी लेकिन सो गई, कहीं निदा खाला से कहना कि आपका ड्रामा मैंने देखा और आप शाइस्ता से अच्छी लग रही। शी डोंट नो हर ना, तो उसको ये था, मैंने कहा नहीं नहीं सब बहुत अच्छे लग रहे, कह ले सबसे अच्छी लग रही थी उनको बता देना चाहिए, वो आपकी बाउंडिंग हो जाती है ना तो अच्छा हो जाता है, जानते बच्चे अच्छा अभी भी समझ में दिखती है, तो हम इनके शो पे गए थे ना, निदा वाला मशहूर हो भाई आप तो। तो फिर 9 बजे जो है ड्रामा खत्म हुआ, मैंने जल्दी से यासिर सो रहा था उसने तो ड्रामा नहीं देखा, उसको नींद ज्यादा प्यारी थी, और मैंने सबको उठाया जल्दी तैयारी करो अब मैंने अपनी अम्मी के घर जाना था। आपको ज्यादा इंटरेस्ट था कि आपने बहुत अरसे के बाद ड्रामा किया था, जो आपका बहुत दिल, हाँ इसीलिए। तो बस फिर उसके बाद मैं अपने अब्बू के पास गई,
जो अम्मी नहीं थी, अम्मी के बगैर पहली ईद थी, अगर मेरे भाई जो है ना उसने कमी नहीं छोड़ी कि वो खुद शेफ है, वो सवैया जो अम्मी बनाती थी, हमारे यहाँ कड़क सवैया बनती थी, अम्मी की खास सवैया वो उसने बना के रखी हुई थी, शीर खुरमा जो अम्मी बनाती थी वो उसने बना के रखी थी, हम हमारा मैका वही है, हम सब बहने जमा हुए। फिर जैसे जैसे हम कदम रखा ना तो फिर एकदम दिल भर आया, फिर जब वो वाली सवैया हाथ में आई तो मेरी बहन और मैं पहले तो हम लोग बस एकदम ऐसे हो गए ना, लेकिन फिर जब हमने वो खाया ना तो हमें अपने भाई पे प्यार आया, सही बात, क्योंकि उसी के दम से हमारा वो फीलिंग वो चीजें बरकरार रखना, वही जैसे हर ईद की रात जमा होते थे अम्मी के घर, वही चीज मेरे भाई ने सारी चीजें वैसी तैयार खुद अपने हाथ से कढ़ाई बनाई हमारे लिए। हमारे घर में तो अब मर्द ही मर्द है, अब्बू और भाई तो बच्चे हैं बस, और तो कोई भी नहीं है, तो वो दावत तो फिर बस आप दीदा हो गई कि वो अम्मी का जो एक था ट्रेडिशन वो फॉलो, सारे दामाद सारी बेटियां घर पे जमा होना, वो उसने जो है ना जारी सारी रखा, तो वो एक दिल को एक खुशी भी हो रही थी, और मैं कहती कि अम्मी कितना अच्छा फील कर रही होंगी कि मेरे बेटे ने जो है मेरी बेटियों के लिए आजकल के लड़के इस तरह से नहीं, ये तरबियत होती है, बहुत मेरा अच्छा भाई है माशाल्लाह, ये तरबियत होती है जो बच्चों को बचपन से ही माएं सिखाती हैं, उनके साथ छोटे छोटी बातें करती हैं ना, तो वो बच्चे जब ना जब माँ बाप नहीं होते ना तो वो जब ट्रेडिशन फॉलो करते ना तो वो उनकी तरबियत होती है, सिखाया हुआ होता है, जिनको एहसास होता है। अपने भाई से तुमने तो ऐसे अम्मी वाला जायका कैसे आ गया, कहने लगा अम्मी बीमार थी ना तो वो इतने अरसे से मुझसे ही बनवा रही थी, बताती थी अब इसको ये करो अब इसको ये करो, तो वो खा के ना एक मुझे हल्की सी कमी महसूस हो, अपनी यादें खत्म हो सकी, बाकी तो कभी उनकी कोई खत्म कर ही नहीं सकता। तो फिर पहले दिन ऐसा गुजरा, फिर उसके बाद सेकंड डे जो है हमारा, हालांकि ये था कोविड वाला ना, सब कुछ बंद था, आपस में बहुत टाइम गुजरा, आपस में बहुत टाइम, हाँ, और ये सबसे अच्छी बात थी कि हमें समझने का, मोहब्बत का, एक दूसरी फैमिलीज के साथ टाइम गुजारना, और खासतौर पे पेरेंट्स वही वाली बात होती है कि नॉर्मल ईद पे क्या होता था, लोग अपने दोस्तों में निकल गए, तैयार होकर बाहर हैंग आउट्स के लिए चले गए, और पेरेंट्स थोड़ी देर मिलके वहीं घर पे ही रह जाते थे, अब बहुत ज्यादा टाइम देने लगे हैं, समझने लगे हैं, बिल्कुल, लोगों का लड़कों को कहाँ टाइम होता है कि वो खाना बनाए, लेकिन तैयार है माशाल्लाह से खाना बनाए, सारी चीजें की, मतलब बहुत ही सुंदर, बहुत प्यारा। सेकंड डे जवेरिया ने नादिया खान, शाइस्ता और मुझे, हम तीनों की फैमिलीज को बुलाया हुआ था, मैंने उससे एक्सक्यूज कर लिया था, मैंने पहले मैंने कहा मैं अपनी खाला के यहाँ जाऊंगी, जाहिर है क्योंकि मेरी अम्मी के बाद भी ये बात है, तो उसने कहा अच्छा थोड़ी देर के लिए टच कर लेना, थोड़ी देर आ जाना, फिर हम जवेरिया से के घर चले गए, क्या हम लोगों ने जाके, हाँ पिक्चर्स भी दिखा देते हम वहाँ पे जाके, क्योंकि हम हमारे बच्चे आपस में नहीं मिले हुए थे, हमने कहा चलो बच्चों को आपस में, कौन सी पिक्चर दिखा रहे हो, ये रही, हाँ सेकंड डे यही, मैंने यही कपड़े बहुत प्यारा लग रहा है, मेरी बेटी का भी इसी तरह का ट्रेनिंग की थी हमने, और आजकल वैसे बड़ा वो है ट्रेंड सारे फैमिली का, हाँ बहुत है, बच्चों लड़कों ने व्हाइट कप सेकंड डे भी व्हाइट पहने थे उन्होंने, और यहाँ से बड़े चश्मे लगा अली, जो हमारा यहाँ के फोटोग्राफर है उन्होंने आके माई तभी बताया, फोटोग्राफी जो है ना प्रॉपर अच्छी प्रॉपर अच्छी होगी, अली को मैंने बुला लिया था, यादें होती हैं अक्सर लोग क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत शौक है आपको तो पता है हर छोटे छोटे लम्हों का, तो मैं कहती हूँ कि जब हम लोग जॉब बहुत मैच्योर हो जाएंगे, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब ये चीजें याद आएंगी, मोबाइल से ना वो जैसे पहले दिन की पिक्चर्स हमने मोबाइल से खींची थी तो वो इतनी मजे की नहीं होती, ये फिर सेकंड डे मैंने जब बुलाया अली को तो उसने बहुत अच्छे से तस्वीरें खींची, और ये फिर हमारी यादगार पिक्चर्स, बिल्कुल, वरना कहाँ मौका मिलता है, वही वाली बात है, इतनी थकान और इतने ज्यादा चीजें सर के ऊपर होती है, आप पिक्चर्स लेना ही भूल जाते हैं। बारह में बता रही थी कि सेकंड पूरा दे हमने अपनी नींद पूरी की और रिलैक्स किया, फिर उसके बाद रात को जब हम जवेरिया के यहाँ गए तो उसने बहुत अच्छे खाने बनाए हुए थे अपने हाथ से, उसने कीमा बनाया हुआ था, नमकीन गोश्त था, और क्या था, हाँ हलीम था, हलीम सिर्फ उसने मजेदार हलीम से मंगवाया हुआ था, बाकी उसने सारे खाने, प्रॉन बिरयानी थी, बहुत मजे मजे सब अपने हाथ से बनाए और लजीज खाने थे वो, नहीं जवेरिया बहुत एहतमाम से और बहुत खिलाने का शौक है ना, पूरा ले आउट होता है, मतलब बर्तन चम्मच कटरी क्रॉकरी वो तक पूरी मैनेज होती है, मैं तो अक्सर ब्रेक के बाद बताऊंगी आप लोगों को मैंने क्या बनाया, मैं तो भूल ही गई क्या
क्या बनाया? तो ब्रेक के बाद बताऊंगी। ब्रेक पे जाने से पहले तुम लोग तीसरे दिन की पिक्चर्स दिखा रहे हो, चलो जी दिखा दो, वो भी अली ने खींची हुई है। हाँ वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी दोस्तें और आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज हमारे साथ हैं और अपनी ईद के किस्से आपसे शेयर करना शुरू कर रही हैं। अभी मेरा किस्सा खत्म नहीं हुआ। पहले होस्ट करेंगी, पहले होस्ट करना, उसके बाद आराम से तुम लोग की बातें। आपने क्या खाने बनाए? अच्छा हाँ, हमारे यहाँ जो है दो देसी खाने बनाए थे और तीन अंग्रेजी खाने बनाए थे। अब जो देसी खाने थे उसमें जो खाने में बना था वो एक स्टू है जो हमारे यहाँ जो कुक है वो बहुत अच्छा बनाती है। मटन स्टू बना था और उसके बाद गफार का कीमा होता है, वो कीमा पटी में बनता है, फ्राई कीमा, बिल्कुल कम वाला टाइप का, वो बहुत मजे का। और उसके साथ पूरियां, एक तो ये वाला प्रॉपर पूरिया मैदे की जो होती है ना, वो घर में ही बनी। और जो अंग्रेजी डिश थी उसमें मेक्सिकन डिश थी, चिकन फजीता सिजलिंग। ओके वो वाला बर्तन मेरे पास है, वो सिजलिंग वाला था। और चिकन एनचिलाडास, एनचिलाडास है वो बड़ा मजे का होता है, वो रोल में बन के उनके ऊपर सॉस ओवन में बनता है, चीज वीज डाल के पूरा मेक्सिकन है, बहुत मजे का बना था। तो ये और सैलेड थी, पास्ता सैलेड जो होती है, रशियन सैलेड पास्ता सैलेड मिक्स कर। लेकिन उन सारी चीजों में से आपने क्या बनाया था? मैंने कुछ नहीं बनाया था। मेरे पास दो कुक है, एक देसी जैसे एक बाला जो है उनको सब सिखाया हुआ है, वो ट्रेन हुई है, वो 12-15 साल पुराना है, वो देसी खाने बनाती है। अगर उनके साथ अंग्रेजी खाने बनाने होते तो मुझे खड़ा रहना था। जो दूसरी कुक है वो पढ़ी लिखी है, मैं यूट्यूब पे सर्च करती हूँ रेसिपी, सारी रेसिपी देखती हूँ, अच्छा ऐसे बनेगी, ऐसे अपनी मर्जी से रेसिपी उसको फॉरवर्ड करती हूँ। वो यूट्यूब से पढ़ी लिखी है, वो यूट्यूब से देख कर सारी चीजें ठक 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 बना रही हूँ। अब मुझे अब नहीं ब्लेसिंग है, वाकई ब्लेसिंग जिंदगी का कि मुझे अब किचन में नहीं खड़े होना पड़ता, वरना मैंने लावा केक सब कुछ भी बेक भी किया हुआ है। अब मैं तैयार कर मेकअप कर रही होती हूँ, टेबल लगवाना, टेबल पे कैसे क्या लगेगा, सुपरविजन भी तो बड़ी जरूरी होती है, क्रॉकरी का, मैथ्स का जिम्मेदारी है, वो सारी चीजें मैं पूरा सेट करवाती हूँ, टेबल सेट करवा के मैं तैयारी करने चली। आपका मेन्यू कौन डिसाइड करता है? वो ये नहीं बता रही है ना कि वो वीडियोस देख देख के, यासिर को बोलती हूँ कि भाई यही यही होगा, तो कहते हैं हाँ ठीक है। लोग कहते हैं सादा चिकन चिकन नहीं हो, मटन मटन ज्यादा हो, मतलब कोई आता है सारे जितने भी लाइक मेरे ससुराल वाले हैं वो सब हमारे घर पे, शुरू से मेरी शादी के बाद से सास हमारे साथ रहती थी, यासिर सबसे बड़े हैं तो हमारे ही घर पे सब जमा हो। फर्स्ट डे डिनर, फर्स्ट डे लंच, डिनर के लिए मैं अपनी अम्मी के यहाँ। फिर अच्छा हमारे तीसरे दिन जो है ये हो गया, दूसरे दिन का किस्सा सुनाया था मैंने, तीसरे दिन की पिक्चर शेयर कर दी। तीसरे दिन हमारी ही कॉलोनी के अंदर यासिर के एक दोस्त थे, अच्छा उन्होंने ओपन हाउस रखा हुआ था कि आए और खाएं, और उन्होंने बहुत अच्छा, अकेले भाई थे उन्होंने, यासिर के दोस्त थे, उन्होंने इतना मजे का, वो अकेले हैं मतलब वो उनकी बीवी से अलग रहते हैं, मगर इतने सलीके शार आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखे। वो और उनका बेटा बेचारा सर्व कर रहा था सारी चीजें, और मैं उससे कही थी यार आप अगर मैं आपको छोड़ के चली गई दावत कर सकते हो, मैं तो इम्प्रेस हो रही थी, इतने सलीके से टेबल रखी हुई, इतने सलीके से ओपन हाउस, इतने अच्छे खाने, मैं हैरान हो रही थी। दो दिन बनाए ना, अच्छे तीसरे दिन दावत ये शौक ही अंदर से अगर आपको अच्छा। फिर हमने चौथे दिन भी मैंने किसी से कहा, जानने वाले से, किसी का फार्म हाउस, मैंने एक ऐसा हट ढूंढा बीच के ऊपर जिसमें स्विमिंग पूल, अरे क्योंकि पानी बहुत चढ़ा हुआ था तो पानी समंदर में तो नहीं नहा सकते थे, लेकिन समंदर में थोड़ा एक रिलैक्सेशन थी, तो वो हमने बड़ी मुश्किलों से हम वहाँ पहुंचे समंदर पर, क्योंकि सब कुछ बंद था, हम किसी के पास गेस्ट गए हैं, वहाँ पहुंचे और हमने फिर पिकनिक की पिक्चर्स ज्यादा नहीं शेयर कर सकते, एंजॉय की अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो पूरा हमने पूरा रमजान रोजे रखे, काम किया, शोज करते रहे, वो हम रिलैक्स हुए पिकनिक पे जाके, भाई कैसी टेढ़ी मेढ़ी पिक्चर है, बहरहाल
हमने इंजॉय किया, बस उस फार्म हाउस पे चिमगादड़ और मच्छर बहुत थे। ये सबसे अच्छी बात थी क्योंकि वो बंद पड़ा हुआ था ना कितने दिनों से, जाहिर है हर जगह यही था हमें एंजॉय करने नहीं है। चिमगादड़ तो एंजॉय के मतलब टेंशन ही नहीं है, एंजॉय करने का। दानिश की बीवी ने कहा ये क्या है, चिमगादड़ निकला पीछे से यहाँ बैठ गया, चीखे मार के पूरी पिकनिक हुई होगी। हम लोग भाई जल्दी भाग गए फार्म हाउस से क्योंकि चिमगादड़ और मच्छरों ने हमारी जिंदगी बर्बाद की। मगरिब के बाद वो जो है रात में, लेकिन बहुत मजा है। तो ये थे हमारी ईद की तैयारी की कहानी, बेस्ट पार्ट चिमगादड़। अब अंबर तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी दावतें। मेरी हमेशा हम लोग का ये सेकंड दफा है ये ईद का कि हम लोग बचपन से लेके अब तक, मैंने कहा ना मेरे डैडी के मामू के हमेशा ईद पूरा खानदान एक जगह जमा होता है। पहले वो खुद करते थे, अब ये कि सब लोग वन डिश कर लेते हैं या फिर आप पूरन करके बाहर से बनवा लेते हैं। लेकिन डैडी की डेथ के बाद ये हमारी भी पहली ईद थी। तो ये था कि फूफी ने कहा कि चलो मैं बना रही हूँ पुलाव और शीर कोरमा, और भाभी ने बनाया, किरण ने बना लिया था पास्ता। और अच्छा हम तस्वीरें भी दिखाते रहते हैं ना ताकि तुम तस्वीरें रह गई, वीडियो बना ली इतनी उसमें हबड़ घबड़ क्योंकि मासी भी नहीं थी, तो वो चाय बनाना फिर चीजें रखना बर्तन दिखाओ। मुझे ये था कि खाना रह गए, वीडियो बना ली। फूफी के घर का खाना है नहीं, ये रात की है, ये मैं रात में हमारे बहुत पुराने बचपन के रात से पहले दिन रात की सुबह का आई डोंट नो पीछे आगे पीछे हो गया होगा। वहाँ पे हम गए थे डिनर पे ना, तो उन्होंने समझो हम बचपन से लेके अब जो है ना, अब मेरी अलीजी और उसकी बेटी दोस्त है। हाँ। तो ये भी मैं भूल गया, मैं कहा मैं क्या बनाऊँ वीडियो, शर्म आएगी सबके खाने के में वीडियो। हाँ, तो ये भी तो होता है ना, ये भी होता है, आप जाते हैं ना लोग नहीं जाते वीडियो, नहीं मैंने बना ली हमारी तो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पे भी डाल देते हैं लोग, हमें पता नहीं होता दावतों में अब ये भी होगा, ये भी होगा, बहुत सोच समझ के दावतों में जाएंगे। सुबह ये पुप्पी है मेरी, दिखाओ ये छोटी पुप्पी है। अच्छा ये पुप्पी है। हाँ ये अलीजे बैठी है, तुम तो आ जाओ, इसने पहले बनाई मुमानी है। देखिए कोविड का ख्याल रखा जा रहा है, मास्क वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो ये मम्मी के घर का है, तो हमसे बहन भाई तो कोई भी नहीं था ना। हाँ। किरण लगी हुई अपना, तो उसको ये नहीं पता कि मैंने दिखाना है आप। खाना बस सब वन डिश ले आए, तो वहाँ बैठ के और कब से मुलाकात नहीं हुई थी पुप्पी की भी ना। हाँ। तो कह रही है कि इंस्ट्रक्शन दे रही है ये, तो यहाँ पे हुआ ईदी का सिलसिला जो होता है वो तो है ही है। फिर यहाँ से सब लोग और भी, क्योंकि मम्मी डैडी की डेथ के बाद ना कोई आ नहीं रहा था कोविड की वजह से, तो अब लोग आ रहे थे खानदान वाले, तो बस वो चाय देना करना। फिर मम्मी, मैं कहा मम्मी अब चलें रात में जो पहले दिखा दी, तो कहेंगे छोड़ो नहीं, मैं कह नहीं चलेंगे अब चलेंगे, इतने पुराने उनसे मुलाकात हो रही है। फिर उनके कपड़े बिदेगे मैंने उठा उठा के धोकर पतीले इतने बड़े फूफी आई थी, धो के नीचे जाके गाड़ी में रखूं, फिर ऊपर मैं तो पसीने पसीने हो गई थी। फिर मम्मी को अपने घर लाई, वहाँ पे मैंने कहा चला भाई लेटे, फिर मैं कह लाए मैं आपका हल्का सा बेस लगा दूँ ना थोड़ा सा, तो वो लगा कर तैयार होके बस मैं कपड़े चेंज किए, फिर वहाँ गई, वहाँ से फिर उनको दोबारा घर छोड़ने गई मम्मी साइड पे। मैं रात पौने दो बजे सुबह की निकली हुई, रात पौने दो बजे फिर मैं बिस्तर पे आके ना ढोश ढोश ही नहीं, सेकंड डे मैंने एंजॉय किया, मैं कहा आपको काम वाम नहीं करना वो सेकंड डे। फिर ये था कि सेकंड डे ये मेरी दोस्त सकीना शबाना ये लोग, तो हम लोग जो है ना ये बाहर गार्डन में, आयजा भी आई हुई था, आयजा खान, अच्छा दानिश तैमूर, तो हम लोग यहाँ पे हमेशा हम लोग जो है ना यहाँ पे लंच था, दादी अम्मा है सकीना जो आपकी दोस्त है। हाँ, उनके घर ये उसकी बहन है शाजी। अच्छा अच्छा, तो यहाँ मैंने जो है ना लॉन्ग का जोड़ा पहना हुआ था, ये अंसर जहांगीर का एक जोड़ा था। अच्छा अच्छा, तो इसी ने अपना निकाला है ना। हाँ, तो ये हम सब अंसर जहांगीर के घर थी दावत या सकीना है? सकीना, अंसर जहांगीर बेटी है सकीना। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वो सब खड़े में और मैंने एक अपना, मैं यार वीडियो बना लो, मुझे कहा गया वीडियो बना लो, और किसी को नहीं पता कि मैं वीडियो बनवा रही हूँ ना। हम यहाँ बैठे हैं सारे, हाँ हसीमा के यहाँ करो करो सारा नीचे एंजॉय करते हैं, यादें। हाँ, मैं हर साल से भी, और देखो ना लाइक ये ट्रेंड हो गया है। हाँ, मतलब ये अब ये सारे वैक्सीनेटेड होंगे ना सब, सब माशाल्लाह सब। अच्छा ये जो है ना दो हिस्सों में हुआ,
क्योंकि ज्यादा लोग हो गए थे माशाल्लाह, एवरी टाइम फैमिली मेंबर बढ़ जाते हैं, ज़फ़ाए ज़हान भी थे, सब ये लोग आए थे। सेकंड टाइम पे हम लोग बैठे थे। अच्छा, दो दो हिस्सों में, दो हिस्सों में, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से आप चले जाओ, ताकि वो ना हो, ताकि एसओपीज़ को भी फॉलो करते हैं। बिल्कुल यार, मीठे मतलब लाइक ये वाली ईद ईदी की होती है ना, और अब हम लोग तो उस फेज में आ गए कि हम ईदी दे रहे होते हैं। मेरे बेटे की, छोटे वाले की, ये समझदारी वाली पहली ईद थी, क्योंकि पिछले साल जब वो 5 साल का था तो हमें कोरोना हुआ था, तो हम तो अलग अलग ही थे, ईदी नहीं हुई थी हमारी ना। तो इस साल बालाज को बकायदा ये पता चला, अरे वीडियो ये चल रही है, मैं बातें कुछ और कर रही हूं। ये बहुत अच्छे मजेदार मीठे थे। हाँ, अमेजिंग मीठे। हाँ, वो शक्ल शक्ल बता रही है, ये तो मीठे दिखा रही थी। ये बहन उसकी बनाती है ऑर्डर पे भी, सफीना, एंड दे वर डिलीशियस। मैंने कहा ना, इतना जिम किया, सब किया, अब सब। अच्छा, मैं बता रही थी कि मेरी बेटी की ना ये सेंसिबल पहली ईद थी, तो उसको यासर ने एक वॉलेट दिया, इसमें ईदी जमा करो। अब उसको समझ आ गई ईदी, ईदी राइट। अरे भाई, जो उसको पैसे मिलते थे हर किसी के पास जाके, आदाब, अस्सलाम, पैसे करने से ईदी मिलेगी। पहले बच्चे तो लिफ्ट नहीं कराते, भाग रहे होते। यासिर का कोई दोस्त आया घर में ऐसे एक हाथ मिलने के लिए, ईद मुबारक। फिर एक यासिर के दोस्त थे, वो ना 1000 रुपए निकाल के इसको ईदी दे रहे थे, तो उसको नीचे से कहीं 5000 का नोट झांकता हुआ नजर आया। कहने लगा वो क्यों नहीं दे रहे, बच्चा छोटा है। तो उन्होंने ना वो भी निकाल के दे दिया ना, मतलब 6000 रुपए देने लगे। तो यासिर ने कहा नहीं, बलाज वापस करो। बलाज ने वापस कर दिया सुबह, उसके बाद शाम, मतलब थोड़ी देर बाद मेरे पास रोता हुआ आया, अच्छे खासे 6000 मिल रहे थे, 5000 वापस करवा दिए। उससे नहीं बताया कि मैंने खुद कहा था कि वो क्यों नहीं दे रहे। तो बाद में रास पास हुआ, फिर उसके बाद उसने जो है ना वो पूरी ईदी उसने जमा की, उसके बाद इस दफा 25000 ईदी जमा हुई। पता नहीं किस किसने दे दी उसको, कहां कहां से ईद मुबारक कर करके निकलवाता रहा। अब जाके उसने पूरी शॉपिंग की है टॉयज की, जब अभी लॉकडाउन खत्म हुआ है। बच्चों की तो यही ईद होती है भाई, वो कॉन्सेप्ट है। पहले ट्रेंड था कितना, अब तो दुकान 500 5000 तो नॉर्मल बात है। 50000 तो बात नहीं होती है, मुझे लगता है 50000 तो बच्चे लेते भी नहीं है। ट्रेंड होना चाहिए 200 200 200 200। पहले होता था, और जिस 50 से ज्यादा लोग हो फिर आप क्या करेंगे, अच्छे मनी मैनेजर निकल जाते हैं। अच्छा, फिर सेकंड थर्ड डे क्या किया? थर्ड डे 3 जगह जाना था मुझे, फिर तो बस फिर मैंने थोड़ी सी तैयार हुई वीडियो के अंदर, और एसी भी कमरे का इतना कूलिंग नहीं कर रहा था, तो मैं तो वीडियो के अंदर तैयार। नहीं नहीं यार, तुम्हारे शो के लिए मैंने दिखा दिखा भाई दिखाओ और क्या दिखाओ ना, वो अंबर तैयार हुई है। हाँ, इतनी मेहनत की है, मैं दिखा के जाऊंगी। तैयारी की वीडियो दिखा ना, जब वो मेकअप कर रही हूँ, फिर मैं जा रही हूँ, फिर मैं कह रही हूँ अब मैं तैयार हूँ, मैं 3 जगह जाना है। ये तो ये हमारी दोस्त है फरहत, ये ईद के 3rd दिन सब इमीडिएट दोस्तों को बुलाती और इतने खाने बनाती ना, मजे मजे, ये मजे होते हैं ईद पे। उसके बाद की तैयारी दिखाओ ना हमें। हाँ, यहाँ एक और पार्टी में गई थी। हाँ, ये भाई तैयार, हमने इन लोगों को पहले से बोल दिया था कि भाई हमारे लिए वीडियोस बनाना या कुछ ऐसी चीजें, ताकि हम ईद के बाद जो शो करेंगे। मैं हाँ अपने YouTube चैनल के लिए, मैं कुछ पता भी नहीं शक्ल कैसे है, बना दो, क्योंकि लेट हो रही थी मैं। मैंने कहा कुछ तो बना दो जल्दी, फुल ट्यूटोरियल मेकअप करिए बस। और शुरू की मैंने रिकॉर्ड की, वो हड्डिया देखो ये तैयार हो गई बस। हाँ, ये तैयार। अब कपड़े चेंज होंगे। हाँ, मैं कहा अब ये क्या कर, आगे पीछे आगे पीछे हो गई है। तो ये पता नहीं हमारे एडिटर को समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पहले है कौन सी बाद। मैंने इतने अच्छे तरीके से दी थी, वैसे ही सेंड करती हूँ 1 2 3 ताकि ये करके अब वो तैयार वाली। हाँ, स्क्रीन पे तो चल ही नहीं रही, यहाँ चल रही है स्क्रीन पे। हाँ, ये वही जो दोस्त मजे फरहत, इतनी चीज है तुम्हारा शुक्र करो। मैं कह यार साल में 2 दफा बुला लो, इतनी चीजें क्यों बना रही हो? फरहत से मुझे भी बुला, दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी मैं और बनाती, मैं भाई शर्मिंदा ना करो। प्यार होता है, ये सब मोहब्बत होती है। मैं कहा मुझे भी बुलाने तो ये रहता है। फिर इसके बाद मैं एक जगह और गई थी दोस्त के, वहाँ अलग गैदरिंग थी, वहाँ पे बड़ा मजा आया, खाना पीना वहाँ पे। फिर बारबेक्यू टुनाइट से ऑर्डर किया था सब्जी। अच्छा, वाला वाओ। वो जरा और लेट नाइट 2 बजे हमने खाना खाया, बैठे रहे, शोल रहा, म्यूजिक सुन रहे, हंसी मजाक।
ये मतलब मुलाकात हुई लेकिन कम गैदरिंग में ना, वो जो होता है ये मैं उसके बाद तैयार ये उसका है, तो मैं कहा मैं तैयार हूँ अब बस बैग पकड़ूंगी और मैं कहा अब मैं जा रही तीन जगह सोच के गई थी तीन जगह हाँ तीन जगह जाना था इनविटेशन नहीं तीन के तीन जगह जाना था तो कपड़े तो ये बनते थे बनते था ना इसलिए फौरन इत्तेफाक की बात है इस्तेमाल हो गया और सबको खैर बहुत ही जो ना खूबसूरत दो तीन दिन आराम मुझे बहुत अच्छा लगा अभी कपड़ों की अलग से तस्वीर लेंगे फिर हम सब बनवाएंगे अब समरा की शुरू करते हैं ना समरा की दिखाएं भाई समरा भाई तस्वीरें वगैरह पहले दिन तो वही मैंने बताया था कि मेरे घर के ऊपर सारा सेटअप वगैरह था सारे खाने अम्मा ने बनाए मैंने बच्चों के लिए पास्ता वगैरह बनाया था क्योंकि सबकी अलग अलग फरमाइशें होती हैं कि जी किसी ने मिर्चें नहीं खानी किसी ने वो भी देखना पड़ता है और मैंने इस दफ़ा एक नई चीज़ सीखी थी इस्लामाबाद में बनाई थी अरसलान की बर्थडे पे चॉकलेट मिंट आइसक्रीम तो वो मैंने यहाँ बनाई आइसक्रीम मैंने घर पे बनाई और विदाउट मशीन और वो कुछ सारा ब्लेंडिंग वगैरह से वो इंग्रेडिएंट्स वगैरह मिक्स करके तो इस दफा मैंने बनाई बाकी सबके लिए और उनको बहुत अच्छा लगा तो प्लेन चॉकलेट ब्राउनी था ये मेरी अम्मी के साथ ये तो खैर जब सब चले गए थे ये परीशे और मेरी कजिन की बेटी है ये हमने येलो की थीम पूरी फैमिली ने फॉलो करी थी इत्तेफाक ऐसा हुआ था कि मुझे पीआर से येलो जोड़ा आया था तो फिर मैंने कहा कि नहीं अब सब मैच करेंगे ये मेरे सारे कजिन्स थे तो उनके साथ पिक्चर्स वगैरह तो वो ऐसा हो रहा था कि काम भी किचन में चल रहा है और साथ साथ ये चीजें भी चल रही थी मैं बिल्कुल घन चक्कर हुई हुई थी ना क्योंकि अम्मा ने कहा था अब दिन भर मैंने सारा काम किया है अब मेहमानों के बाद मैं आके बैठूंगी अपनी बहनों के साथ वक्त गुजारूंगी अब तुमने किचन में संभालना है आप तैयार होकर पसीने टपक रहे हैं सारा कुछ हो रहा है किचन में लगी हुई हूँ उफ बहुत बुरा हाल था लेकिन फाइनली सारी चीजें हो गई सबने बहुत मजे से खाना एंजॉय किया मेरी कजिन की उस दिन बर्थडे भी थी तो उसकी वजह से स्पेशल केक मैंने बनाया था और आइसक्रीम बनाई थी इस्लामाबाद ये थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हमारी फैमिली का चल रहा था क्योंकि मेरी वजह से ये लोग सब जमा होते हैं अदरवाइज ऐसा कोई स्पेशल वैक्सीनेशंस की वजह से ये ईद थोड़ी सी बेहतर रहना आ गया किस तरीके से अपने आप को सेफ भी और हमें पता है कि ज्यादा एक्सपोजर नहीं बाहर हर लोगों से नहीं मिल रहे और ये शुक्र है कि फैमिली में पता है कि कोई बीमार नहीं है अल्लाह का शुक्र है सबको वैक्सीन लग चुकी है तो फिर वो सब इकट्ठे आराम से हो जाते कोई टेंशन वाली बात नहीं वरना सबसे ज्यादा टेंशन बुजुर्गों के लिए होगी उनको कुछ ना हो और पिछली दफा ईद पर केसेस भी कितने बढ़े थे बहुत ज्यादा देखे ना कोरोना की वजह से बंद कर दिया तो केसेस बहुत कम हुए हाँ बाजारों वगैरह ये मैं अपनी दोस्तों के साथ अगले दिन सेकंड डे जो थी मैं दिन में उन लोगों के पास गई थी लंच था ये मेरी दोस्त मेरी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं ये बीच वाली दुबई में रहती है मेरी वजह से सिर्फ ये कराची का इसने अभी चक्कर लगाया कि समरा से मुलाकात अच्छी दोस्तें होती है तो ये तो खैर पहले की तस्वीर आ गई ये हम रात में जो है वो उमर शरीफ साहब के घर गए थे उनकी वाइफ के साथ ये मेरी तस्वीर है फिर हमारा अच्छा गपशप वाला माहौल भी बन गया था थोड़ा बहुत खाना पीना भी चला और बहुत मजा आया उनके साथ बहुत अच्छा किया उनके पास जाके ना क्योंकि अब यही हमारे लेजेंड्स हैं सीरियसली जरूरी है मिलना जुला क्योंकि वो तो बेचारी इनकी तबीयत सही नहीं वो इतना ज्यादा आ जा भी नहीं सकते लेकिन वाकई उनसे बैठ के इतना अच्छा लग रहा था बात करके और वो भी फील कर रहे थे कि मतलब कोई आया है हमसे मिलने के लिए रहते तो हर वक्त ही रौनक लगी रहती है बिल्कुल बिल्कुल फिर ये तीसरे दिन की है यहाँ पे भी एक हमें डिनर पे इनवाइट किया हुआ था वहाँ पे नादिया खान भी आई हुई थी और भी लोग थे ड्रेस बहुत प्यारा था थैंक यू मुझे लग रहा है ब्लैक पे हम सब फिदा हो गए ये कहाँ था डिनर ये एक और फ्रेंड ने अपने तीसरे दिन घर के ऊपर किया था डिनर अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बस हम लोगों ने अब वो देर से मैं थोड़ा सा पहुंची तो वो खाना थोड़ा सा बस हाँ ये पिक्चर्स ही हो सकी वरना खाना लेकिन बहुत मजे का था लज़ानिया बहुत जबरदस्त बनाया हुआ था उन्होंने वहीं पे कुक बुलवाया हुआ था और वो लाइव सारी कुकिंग कर रहा था पानी का मीठा ऊपर आजकल ये बहुत ट्रेंड मैंने देखा है घर की खवातीन के बजाय कुक्स होते हैं प्रोफेशनली उनको बुला लिया जाता है जो बाहर से खाना नहीं आ सकता और खवातीन को रिलैक्स करना है रिलैक्स काफी घरों में ट्रेंड देख रहे हैं बल्कि इस दफा तो वो बहुत ट्रेंड मैंने देखा है कि बच्चों के भी और ये भी गेम्स नाइट हुए हैं जो रमजान में लॉकडाउन में और गेम्स नाइट में भी दूर दूर एसओपीज के साथ गार्डन के अंदर बैडमिंटन हो रहा है वहाँ पे जो है वो कढ़ाई बन रही खटाखट पूरी कुछ लोग अपने पेंटिंग कर रहे हैं तो बड़े अच्छे गेम्स नाइट हुए मतलब लाइक इस तरह का क्या देखा गया
हाय मेरा तीसरा दिन रह गया, इसका तीसरा दिन रह गया, ब्रेक आ गया। चलो तीसरा दिन तुम भी ब्रेक ले लो। तीसरे दिन जो है तीसरा दिन जो है समरा का, वो ब्रेक के बाद और भी था, उसके आगे भी था, ब्रेक के बाद आके देखते हैं, कोई मसला नहीं, अभी प्रोग्राम है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आपसे शेयर की जा रही है फ्लैशबैक्स, ईद की तैयारियां, और बहुत मज़ा आता है जब आप फैमिली में भी बैठते हैं इकट्ठे, एक दूसरे से अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं या फिर अपने दोस्तों में बैठते हैं, उसी तरह हम भी आपके साथ अपनी पिक्चर्स, अपनी यादें, ईद की यादें जो ज़्यादा पुरानी नहीं हुई, शेयर कर रहे हैं। और अब मैं रबाब की तरफ भाग रही हूँ। अच्छा समरा की वीडियो कौन सी रह गई थी? एहतमाम किया था, हर तरह की वैरायटी, चाइनीज भी रखा था, कॉन्टिनेंटल भी रखा था, देसी भी था, और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने सारा कुछ, उनकी बहुओं ने इतने जबरदस्त मीठे भी बनाए थे घर में भाई, तो मतलब मैं ऐसा लगता स्पेशल फील कर रही हूं, बाकी ना कि जैसे कोई बहुत बाकी सेलिब्रिटी हो कि इतना इत्तमाम मेरे लिए होता है, बहुत बहुत, और मुझसे मेरी पूरी फैमिली प्यार करती है, इस चीज पे मैं ब्लेस्ड हूं। माशाल्लाह, ये बात तो है। हाँ जी, रबाब ने क्या किया? अचानक चांद रात हुई, वो तो सवाल ही रह गया था। अचानक चांद रात हुई, जो असल में चांद जब आपको मगरिब के बाद ही पता चल जाता है, तो वो मिली इजी होता है कि मैं फिर शीर खुरमा और खीर बना के फ्रिज में रख देती हूँ कि वो ठंडा हो जाए अगले दिन तक। तो रात को तो मेरे पर जैसे बम फटवा के बम फटा मेरे ऊपर कि अब मुझे, और फिर हम लोग के यहाँ बनता है, कोई जब से मेरी शादी हुई है 23 years हो गए, हमारे यहाँ बनती है चिकन की कलेजी। अच्छा, हाँ चिकन की कलेजी बनती है और वो कड़क ब्रेड के साथ खाई जाती है, रोटी के साथ खाई जाती है, और पूरियां बनती हैं वो खीर के साथ खाई जाती है, वो हमारा बनता ही बनता है। तो वो अब मैंने बोला कि कलेजी लेने भागूं, अब वो खुला होगा चिकन वाला या नहीं, तो वो उसको फोन किया, उसने बोला आ जाओ बाजी खुला हुआ, खोल दिया। कलेजी ना मैं फ्रीज नहीं करती कभी भी, मैं फ्रेश लेती हूँ और फिर किसी आप बना लेते हैं, तो वो फिर वो भागी मैं, फिर वापस आई, फिर किचन में 4 बजे तक मैं काम करती रही हूँ, शीरखुरमा बनाया, खीर बनाई, उसको फ्रिज में रखा, और फिर 1 घंटा शायद मैं लेटी होंगी, और फिर 6 बजे क्योंकि सबने नमाज के लिए उन्हें जाना था, और फिर मुझे नाश्ते की तैयारी करनी थी, तो बस इस तरह हबड़ दबड़ में इजफा, तो ना मेरी मेहंदी हो पाई, कपड़े धरती को तुम अपने पास ही रखो, तुम्हें मुबारक हो, मुझे चाहिए नहीं कपड़े। इतफाक ये था, नहीं मैं थे नहीं, एग्जीबिशन लगी मेरी फ्रेंड्स की, तो वो तीनों मेरी फ्रेंड्स की एग्जीबिशन लगी रमजान में, तो मैंने उनसे एक एक ड्रेस उठा लिया था, वो मेरी किस्मत अच्छी कि मैंने उनसे एक ड्रेस उठा लिया, और वो मैंने उनको कपड़े पहने, एक दिन फ्रेंड का पहने, एक दिन फ्रेंड के पहने, बाप ने क्या पहना पहले, और ज्वेलरी जो है वो मैंने अपने बेटे की पहनी, वो ज्वेलरी का काम उसने स्टार्ट किया ऑनलाइन। हाँ, अरे वाह भाई, छोटा सा छोटा सा, तो ये कलेजी आपने दिखा दी, ये फर्स्ट डे की है। हाँ, ये फर्स्ट डे की डिनर भी था, एग्जीबिशन से उठाए थे ये, सारे मैंने अपने अलग अलग फ्रेंड्स के हो रहा था, बिल्कुल। ये रात को दावत थी तो ये प्लेटर मैं हमेशा खुद ही बनाती हूँ, ये शाम की चाय थी, उसमें फ्रेंड्स आए हुए थे, फ्रेंड्स मेरे घर पे, फर्स्ट डे तो सारा कुछ मेरे का सारे भाई आप सब तो मेरे घर पे ही था, तो वो सारी चीजें जबरदस्त यार, ये तो सब तो यादें होती हैं, यही यही याद, फैमिली फ्रेंड्स है या क्या, फैमिली फ्रेंड्स है सारे, फैमिली भी है फ्रेंड्स भी है, जबरदस्त। ये खाना खाने ये मैंने खुद सब कुछ खुद बनाया, मैं खाना खुद ही बनाती हूँ, जबरदस्त, इतनी मजे की चीजें लग रही हैं कि रिपीट हुआ है, इसका यही तो मजा होता है, मजा चीजें खाने को मिलती हैं, और बस नहीं चल रहा होता कि हर कुछ बनाए और खिलाए, मैं इनके तीनों खाने का दिखाए नहीं इन्होंने, खाने का क्या, ये कितना वीडियोस हमने इतनी मेहनत कर करके बनाएंगे और आप वीडियोस नहीं दिखा रहे, दिखाए भाई पूरा खाने के दिखाए ना प्रॉपर। ये सेकेंड डे था, हाँ सेकेंड डे हम इन्वाइटेड थे। अच्छा, हाँ ये सेकेंड डे की ये भी मैंने ड्रेस उठाया था, ये भी मैंने अपनी फ्रेंड काम आ गया ना, और ट्विनिंग भी हो गई निया के साथ, वो बिल्कुल 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 सेकेंड डे की थी, दिखाओ भाई। हाँ क्या वीडियोस क्या अटक जाती है, ये थर्ड डे की है, वाओ वेरी नाइस, बहुत मजे का ड्रेस लग रहा है, बहुत प्यारा हल्का फुल्का ठंडा ठंडा की है, हाँ वेरी नाइस। तीनों दिन तो मुझे इतनी इसलिए टेंशन नहीं थी
कि तीनों दिन के कपड़े हो गए थे। मैंने दर्जी को बोला तुम रखो अपने पास रखो, जरूरत ही नहीं है। मेकअप मैंने खुद किया था, सारा मेकअप मैंने खुद किया था, तीनों दिन डिफरेंट लुक दी थी मैंने, वही घर पे एक सेटअप अपना मेकअप स्टूडियो का भी बना लिया है। अच्छा, मेकअप भी मैं खुद करती हूँ अब। मेरी सारी फ्रेंड्स आ जाती है, मेरी फ्रेंड्स भी आ जाती है, सब मैंने बोला। हाँ हाँ, मैंने प्रॉपरली कहा अपने घर पे, मैंने मेकअप स्टूडियो अपना खोला है। अच्छा, जबरदस्त। बेटे भी ज्वेलरी का काम शुरू किया, मैंने थोड़ा पुश किया। हाँ, ड्रेस कब कब करेंगे ड्रेस का? यार बस अब यही रह गया अभी, वो तो मैं खुद करती हूँ। वैसे मुझे शौक है अपने तो करने का, मुझे शौक है, मैं तभी दर्जी से ही बनवाती हूँ अपनी खुद ही। मेरी एक वो होता है कि नहीं ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। पीआर पैकेजेस भी तो बहुत आते हैं आजकल, ये भी फायदा हुआ ना मुझे, इसी चीज का फायदा हो गया कि मेरे पास पीआर पैकेज आ गया, तो मुझे वो शॉपिंग का वो एक वो नहीं करना पड़ा कि जी अब जाना है, क्योंकि मेरी रिकॉर्डिंग्स भी चल रही थी। बहुत सारे डिजाइनर्स हैं, अपने फ्रेंड्स को भी सपोर्ट करना पड़ता है ना, कोई फ्रेंड्स आपकी एग्जीबिशन लगा रही हैं तो आपको जाना पड़ता है, एनकरेज करना पड़ता है, उनसे भी आपको वो करना पड़ता है। तो इस वजह से वो इत्तेफाक ऐसा हुआ, वरना तो हर साल की तरह मेरे कपड़े नहीं होते, घर से कुछ निकाल के पहनना पड़ता। दर्जी हर साल करता है हर साल, और मैं भी ढीठ की ढीठ हूँ उसकी तरह। दर्जी आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन पता नहीं उसे कुछ हो जाता है ईद के मौके पर। मैंने एक महीना पहले कपड़े दे दिए थे, उसने बाजी एक हफ्ते बाद दे दूंगा, एक हफ्ते बाद मिल जाएंगे। सोचे आपने एक महीने पहले से कपड़े दिए हुए और वो दो तीन दिन पहले ईद से पूछ रहा है बाजी क्या आपने बनाने के लिए कहा था, कैसे कहा था बनाने के लिए, नहीं दी मेरे दर्जी ने मना कर दिया था। मैंने ईद से रमजान से पहले कहे आप सॉरी बाजी लॉकडाउन देख रही है ना 6 बजे मैं अभी नहीं, एक दे देना नहीं, फिर मैं भी ठंडी, क्योंकि मैं अभी भी 4-5 जोड़े ऐसे हैं जो अनस्टिच मैंने सॉरी स्टिच्ड अनबीटेबल। मैंने तो बोला उसको कि भाई तुम लेते क्यों, तुम मना कर दिया करो ना, तुम मेरे बाजी में नहीं बना सकता, अब अपना कोई इंतजाम कर ले, तुम ले लेते हो और फिर देते नहीं हो लास्ट मिनट पे। मेरे ऑल्ट्रेशन भी निकलती है कुछ मशहूर हो रहा है। अच्छा वैसे नहीं निकलती, वैसे ऑल्ट्रेशन नहीं निकलती, नॉर्मल आप बनाए नहीं निकलती, ईद पे निकलेंगे तो मैं शो पे जाके नाम ले दूंगी, आपके नाम ले दूंगी, जगह गली सब बताऊंगी, तुम कहाँ से हो, एड्रेस के पास कोई ना जाए। जमीन खराब एसी नहीं, मैं उसको बहुत ज्यादा एसी वाले ने खराब ये सेकंड में सुन रही किसी से। हाँ तो मैंने कहा एसी चेंज करके दो अभी तो लगा ही, वरना मैं बोल दूंगी सोशल मीडिया की पावर। नहीं यार सोचो हमारे साथ ऐसे करते तो आम लोग इसीलिए जो है ना ये मानने चाहिए मेहनत से बंदा नहीं। मगर इतनी दफा ईद अल्लाह का शुक्र है पिछले साल से बहुत बेहतर, और हबड़ दबड़ में तो हुई है बट बहुत अच्छी, क्योंकि कुछ ना कुछ हर दिन कुछ ना कुछ था। पिछले साल बड़ी दुखी थे हम लोग, पहला टाइम था ना कोरोना का, हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाए थे, सब घर पे थे, ईद पे हुआ सब घर पे थे, हमारी तो जिंदगी में ऐसे मत पूछ कुछ भी नहीं हुआ। आपको तो आपका हो गया पॉजिटिव हो गया, उसके बाद हम लोग तो एक हफ्ता 4 दिन पहले यहीं से ईद का शो करके पूरे 25 लोगों की जो मुझे फूड बजाया। अरे बाद में अपनी मियां को देखो बच्चा मुझे तो कोरोना हो गया, मुझे मुझे लगा निदा को कोरोना होना तो इट मींस कि आपको भी होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ ये भी तो शो पे थी यार, लेकिन शो अब तो लगातार नहीं, मतलब इसको होना होता है मैं बताऊं, होता है जिसको नहीं होना होता उसको नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ ठीक है होता है कि अगर आपको लगा हुआ है तो लग जाता है, बट ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं लगता। अच्छा वापस आता है ना ईद का शो हो रहा है, कोरोना का शो नहीं हो रहा आने के। तो वो तीनों दिन माशाल्लाह ऐसे, फर्स्ट डे मेरा काफी बिजी था घर पे, मेरे ही शाम को भी रात को भी मेरे घर पे ही सारा था फर्स्ट डे। फिर सेकंड डे थर्ड डे फिर हम लोग इनवाइटेड थे, तो फिर वो मैंने एंजॉय किया, थोड़ा सा रिलैक्सिंग था। जी फरा 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 तो खाने पकाती रही होगी? नहीं मैं बिल्कुल खाने नहीं पका रही, क्योंकि मेरा शो था, मुझे मेहंदी का बड़ा दुख है, मैंने मेहंदी नहीं लगाई, मेरा शो था यहाँ पर रमजान ट्रांसमिशन में मैंने आना था, मैंने कहा बुरा लगता है एक दिन पहले क्या मेहंदी लगाऊं, मतलब 2 दिन पहले क्या लगाऊं, जैसे चांद रात वाले दिन ही लगाऊंगी आराम से। तो मैं तो बड़ा सो गई, क्योंकि फिर शहरी में उठना, फिर सुबह दोबारा मेरी 12 बजे सो गई रात को। नहीं नहीं मैं तो मैं बता रही हूँ आपको कि मैं सो जाती हूँ 12 बजे तक सो जाती हूँ, क्योंकि मैं लेटी हुई थी, मैं तो बड़ी बेफिक्री सी हो गई कि सुबह तो मुझे शो पे जाना है, फिर रात को सारा प्लान किया हुआ था दिमाग में, शो से आऊंगी वापस तो फिर उसके बाद मैंने मेहंदी लगाने जानी है। अच्छा ड्रेस जो थे वो मैं दर्जी वर्जी के मेरे चक्कर नहीं होते, और रमजान में एक दफा मेरे कपड़े आ जाते रमजान से पहले, वो मेरे शो पे भी पहनती रहती हूँ, कुछ मैं ईद के लिए भी रख लेती हूँ, तो सारे मैं वो मैनेज कर लेती हूँ, ज्वेलरी है ये है वो है सारी चीजें, तो वो तो मेरा कोई चक्कर नहीं होता। लेकिन मेरा माइंड बना हुआ था सेकेंड डे मुझे शो पे जाना है, ठीक है मुझे ये था।
और मेहंदी भी लगानी, वो प्लानिंग की हुई थी और मैं लेटी हुई थी तो मुझे फिर पता लगा कि मैसेजेस आना शुरू हो गए चांद रात मुबारक, तो मैंने कहा ऐसे ही लोग तंग करते रहते हैं, मैंने कोई ध्यान ही नहीं दिया, चांद हो गया तो हो गया, मैंने कहा ऐसे ही लोग तंग करते रहते हैं हर चीज का, छोड़ो यकीन वो घर में रूम में लेटी हुई थी तो वो आगे बता रहे चांद हो गया, मैंने कहा चलो चलो नहीं हुआ, मुझे कल शो पे जाना है, मैंने सारी चीजें लाइन अप है मेरी, कैसे हो सकता है, मुझे चैनल से जरूर मुझे मैसेज आ जाता कि कल शो नहीं है, वहां से नहीं आया तो इट्स मीन के नहीं है, मैं तुम पे यकीन ही नहीं कर रही। फिर जब वो न्यूज दिखाई गई ना तो फिर वो आवाज आ रही थी तेज आवाज, वॉल्यूम तेज कर लिया, चांद दिखाया, देखो चांद दिख गया है, तो वो एक रूम का टीवी वो पूरे घर में सुनाई देता है कि वही वो चांद, वो उसकी आवाज स्पेशली वो तेज कर गया हुआ, मेरे लो चांद नजर आ गया, अब क्या करूँ। खैर मैंने तो शो पे नहीं जाना था, मैंने तो इतना स्ट्रेस नहीं लिया, पर मुझे दुख था मैंने मेहंदी नहीं लगाई है, क्या करूँ, कॉल्स की दो तीन जगह पे तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत रश है, बहुत रश है, हम भी बड़ा छुपा के कर रहे हैं, तो आपकी सब कुछ बोल दिया, कौन मिल जाती है तो हम खुद भी लगा लेते हैं, अगर आप सेलिब्रिटीज को देखिए ना, सेलिब्रिटीज की पिक्चर में जरा सी टिक्की यहाँ है, मैं भी क्योंकि देखो 11 बजे पता चला, 11 बजे तो लॉकडाउन बाजार बंद हो चुका था, आप कहां से मेहंदी ले गए, बाजार वापस से खुला है, स्टोर्स वगैरह दोबारा ग्रोसरी के वो खुले हैं, वापस ग्रोसरी खुले हैं, दोनों ग्रोसरी, लेकिन मेहंदी वाली मार्केट बिल्कुल नहीं थी। अच्छा सब एक साथ बोलोगे तो फिर कैसे हम समझ आएगा, मेहंदी वाली ने तो बिल्कुल मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया, उसने कहा कि नहीं आप कल आ जाए, मैंने बोला यार अब कल क्या ईद की खुशी होती है, सेकंड डे तो वही काम करने ये करना है, मैं तो दोबारा से सो के चलो सैर में भी नहीं उठना, सुबह ही उठना, मेरे घर में जो एक हंगामा था ना, वो इतना हंगामा, सब शोर मचा रहे, दूध नहीं मिल रहा था, दूध नहीं मिल रहा था, शेर कोरमा कैसे बनेगा, दूध नहीं मिल रहा था, बनता भी इतना ज्यादा है, 15 किलो हमारा दूध का बनता है, खानदान बड़ा है, लोग आते हैं जाते हैं, 15 किलो दूध का बनता है, तो फिर वो पूरा दिन चलता रहता है, अरे ओहो मैदा नहीं मिल रहा, क्योंकि पूरियां बनती है हमारे यहाँ, ये चीजें तो पहले कर लेते, कर लेनी चाहिए वैसे, वो तो ऐसा था ना चांद रात की सुबह को ले लेंगे, ऐसा होता ना चांद रात की सुबह को ले लेंगे, ऐसे ही था प्लानिंग, ये सुस्ती रोजे में होता है, सुस्ती थोड़ी सी हो जाती है यार, चलो अच्छा कल ले लेंगे, ग्रोसरी पहले कर लेती हूँ, लेकिन मैं सारी चीजें पहले ही रख के, दूध नहीं मिल रहा था, दूध के लिए हंगामा, मुझे किसी ने सोने ही नहीं दिया, मैंने 6 बजे तक आवाजें सुनी, दूध नहीं मिल रहा, 6 बजे तक आवाजें सुनी है, यहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए वहाँ गए, मैंने कहा अल्लाह ये सोनी फिर तो सोते में भी ख्याल आ रहा होगा, मैं उठ गई, फिर वो सुबह उठ गई, फजर की नमाज पढ़ी, फिर सब जाग रहे थे, बच्चे बच्चे ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई पता नहीं कोई हमारे घर में शादी होने वाली है किसी की, कोई हंगामा था, कोई खुशी का समा नहीं था, लेकिन हंगामा था कि कुछ भी पैनिक हुआ हुआ था, कोई कुछ भी नहीं मैनेज हो पा रहा, सबको अचानक अचानक चीजें याद आ रही, सब चीखे लगा रहे, मेरा तो सर में दर्द हो गया, मैं तो जाग रही हूँ, मेरा तो सर में दर्द हो गया, मैंने कहा मेरी नींद क्यों खराब की तुम लोगों ने, फिर मैं जो उठ गई तो सब सो गए, नमाज उमाज पढ़ गए, सब सो गए, फिर मैंने कहा मैं क्या करूं, ऐसे ही नहा के लॉन का ड्रेस पहन लिया, फिर तस्वीरें नहीं खींची, नहीं मैंने बनाई है तस्वीर ईद वाली दिन, देख रहा हूं ना तैयार हुई हूं, फिर तस्वीर देखेंगे फिर उसकी बातें सुनेंगे, जो खास चीज है मेरे मेकअप किया हुआ है ये देखिए, लॉन की तैयारी, अब बैठ के अकेले अकेले कर रही हूँ, कोई भी नहीं है। अच्छा तो ये तस्वीर कौन ले रहे थे ये बताएं? वो मैं आपको बता रही हूँ कि तुम क्या चाहती, कौन हो भाई, हम भी अकेले अकेले, अरे वो जमगट्टा हो, जितने लोग हमारे घर में सब सो रहे थे, तो मैंने अब ये ईदी ये मैंने खुद ही बनवाई है तस्वीर है, बाहर झूले पे बैठ कर, और ये मेकअप में मैंने ये वीडियो बनाई, चलो मेकअप कर लेती हूँ, तो नॉर्मल सा ड्रेस पहना हुआ था, लॉन का गर्मी बहुत ज्यादा थी, लोग गर्मी गर्मी करके एसी में भी भेजे सफेद, वो जो पहना था कपड़े ना, आई थिंक बस मैं हो, मैं तो पुराना पहना था पिछले साल का, सुबह जो पहना था, तो बस ये मैं तैयार हो गई, क्योंकि तैयार होना बहुत जरूरी है, झुमके पहनने पूरे रोजे हमने रखे, पहले मैं नहीं होती थी, लेकिन फिर मैंने बहुत लोगों ने मुझे डांटा कि जब जो पूरे रोजे रखते हैं उसमें तो बहुत जरूरी है, शादियों में कैसे तैयार होते हैं, मैंने देखा ना सुबह गई हूं मेहंदी लगवाने के लिए, पूरे रखने का मुझे बहुत शौक है, ईद के दिन मुझे गोटे के कपड़े चाहिए होते हैं, झुमके चाहिए, ये तो अंडरस्टूड सी बात है, हमारी तो बताने की जरूरत, पहले से मुझे उसको तो वैसे भी चाहिए, इसको तो वैसे मुझे हमारा मोबाइल में नाम सेव किया हुआ है, अंबर डिस्को छन छन चूड़ियों में ना छन छन आना चाहिए, मतलब क्या हां ये अंबर डिस्को है, बहुत सारी अंबर होती है ना, अगर फोन लग जाता है फिर अंबर डिस्को। अच्छा तो मैं तो फुल तैयार हुई, झुमके वगैरह अपनी ज्वेलरी बॉक्स निकाला, जो नया नया मुझे रमजान से पहले आया हुआ था, ज्वेलरी मैंने निकाली, झुमके पहने,
में, फिर बाल में मेरे मेरे बाल तो छोटे एक्सटेंशन लगाए, मैंने बोला भाई ईद है क्या हो गया, सब सो रहे हैं, तो फिर सब उठे ना तो मेरा दिल तोड़ गया, कहीं जा रही हो क्या, मैंने कहा तुम तो बच जाओ को ईद है भाई, तैयार नहीं हो नेस्ती बुलाई के सो रहे हो तुम ईद पे, मेरी तो नींदें तुमने खराब कर दी। फिर एक आध मेहमान आए, कजन्स वगैरह आए, ज्यादा लोग नहीं आए, थोड़े थोड़े से लोग आए, उनसे ईद भी मिले, मतलब सब क्योंकि थके हुए थे पूरी रात के, तो फिर वो सो गए सबके, सब शाम में सो गए, फिर सबके सब सो गए। सेकंड डे हमारे घर पे दावत होती है, मेरी जो बहने सेकंड डे दावत होती है, तो वो थोड़ा सा मैंने अच्छा। ये हाँ ये मेहमान आए हुए हैं घर पे, छुपा रही हूँ, छुपाते मेहमान तो सामने आते नहीं है, तो फराह को तो सबको पूरे खानदान को ईदी बात दी, मैंने सबको दी 500 रुपए दी, ज्यादा देती तो बहुत निकल जाते बहुत ज्यादा निकल जाते, तो ये गेस्ट आए हुए बच्चे भाई, तो ये मेहमान आए हुए थे, तो खाना बनाया मैंने और भाभी ने मिलकर, बिरयानी बनाई थी और चीज सी कबाब बनाए थे, बिरयानी बनाई थी और उसके बाद कढ़ाई बनाई थी, तुम पे तो बनता है हक बनाने का भाई, मिलके बनाई थी नहीं, हम जैसे बनाते तो ये तो बनाएंगी बनाएगी, हम किचन में घुसे रहते हैं तो आपका तो बनता है। अच्छा वहाँ पे कुकिंग शो चल रहा है घर के अंदर भी, सुनो देखो मैंने कहा चलो किचन में बहुत गर्मी थी तो मैंने कहा चलो मैं कबाब बना लेती हूँ, इस दफा गर्मी वाकई बहुत ज्यादा गर्मी थी, बहुत ज्यादा गर्मी थी, तो अच्छा ईद हम लोग किसी से गले नहीं, हाँ ये देखो हम कभी भी सही आईडिया है, हम गले नहीं मिले थे सेफ, क्योंकि थे तो अपनी सिस्टर है और खाला की बेटियां हैं, लेकिन फिर भी सेफ साइड रहकर हम, मैं गले एसओपीस का ख्याल, मैंने अपना ख्याल रखा कि मैं इतना बाहर जाती थी कि मेरी वजह से इनको यही डर होता है, मेरी वजह से, वो तो घर में रहने वाले थे, मैं बाहर रहने वाली थी, फिर बड़ा हल्ला गुल्ला किया, खाना वाना खाया, मजा आया। फिर थर्ड डे भी इसी तरह था कि दावत थी हमारे घर पे, तो जैसे एक दिन ननियाल वाले आते हैं तो एक दिन ददियाल वाले आते हैं, मेन्यू वही रहता है या चेंज हो जाता है? कुकिंग में बिजी रहती हूँ मैं, बिजी नहीं रहती, मेरे साथ दूसरे लोग भी होते हैं, मैं बस थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत, फैमिली हमारी बड़ी होती है बहुत सारे लोग हैं, तो इस तरह। अच्छा फोर्थ डे नहीं थर्ड डे इस तरह था कि हमने ये थर्ड डे तो दावत थी, फोर्थ डे जो था दावत नहीं थी, हमने सोचा बहुत घर का, हमने कोरमा भी बना लिया तो कढ़ाई तो कबाबे सब बना लिया, तो अब आज हमें खाना नहीं बनाना है, आज हम बाहर से मंगवाएंगे, सही अब तो कोई भी नहीं है, किसी ने आना ही नहीं आज, तो आज हम बाजार से बाहर से मंगवा के ऑर्डर करेंगे, खाएंगे खाना, सबने बोला चलिए ठीक है। अच्छा हम तो नाश्ता बहुत लेट हुआ था, 2:30 बजे नाश्ता, क्योंकि रूटीन सारी चेंज हो गई थी, नाश्ता वाश्ता कर लिया, दिन में किसी ने कुछ खा लिया, किसी ने कुछ खा लिया, अब 8 बजे हमने कहा चलो ऑर्डर करते कुछ चीज़ें अपने घर के लिए ऑर्डर की। हमारे घर में 15 मेहमान आ गए, 15 मेहमान आ गए, हमारी अपनी फैमिली के 15 लोग आ गए, या अल्लाह क्या करें खाना भी नहीं है। फिर दोबारा से ऑर्डर किया, चलो ऑर्डर तो कर लेते, आने में बहुत लेट हो गया, वो 2.5 घंटे लग गए, ओह माय गॉड, क्योंकि 2.5 घंटे क्योंकि रश था चौथे दिन, तो उसमें जो हमें इतनी शर्मिंदगी हो रही थी कि हमने उसको 2 दफा कोल्ड ड्रिंक दे दी। एक सेकंड, मेहमान खाने के टाइम पे क्यों आए? करीबी लोगों के लिए तो कोई टाइमिंग नहीं होता, जाके खाना मिल लेंगे, भूखे खाना खा के ही जाए, नहीं नहीं तो नहीं, हमारे देखिए हमारी जो फैमिली है ना वो बड़ी, वो है कि हम भी ऐसे ही चले जाते हैं, बिल्कुल आपस के, लगता नहीं तुम्हारे चचा ताया खाला कोई दूर का है, कोई अंडरस्टूड बात होती है, फैमिली अगर आप जा रहे हैं तो खाना तो फिर वही, बिल्कुल चिकन कढ़ाई बताने की जरूरत ही नहीं। ये मुझे सबसे हिलेरियस बात लगी, हाँ आज हम जो है खाना बाहर से आ रहे हैं, 15 लोग आ गए, 15 लोग का चट्टी पहले आधी है, चलो उनका मंगवाया, उनको ऑर्डर किया, 1 घंटा उनको लेट, फिर दूसरे आ गए, अब क्या कर रहे हैं आप, ऑमलेट बनाती है, कैसे बनाती है, खुशी भी होती, खाना खिला के खुशी भी होती, बिल्कुल ऐसे नहीं जाना चाहिए, हमारे घर से खुद खुशी खुशी होती है। अच्छा सबको खिला के अपने लिए ऑमलेट बन सकता है, हमारे साथ ये हुआ था ना, खाती हूँ पिछली ईदों की बात बता रही हूँ, कुछ सालों पहले की, कि हम मैं हमारे जो देवर है उसके घर दावत थी, आमिर लियाकत साहब ने फोन किया अपनी बीवी के साथ, वो पहली वाली उनके साथ आ रहे हमारे घर पे, मैंने कहा अच्छा वहाँ वो यही ARY में होते, मैंने कहा अच्छा आ रहे आ जाए आ जाए, अब हम अपने देवर के घर दावत, हमारे घर तो कुछ बना ही नहीं था, और हम भागे भागे गए कबाब फ्राई करके उनको खिलाएंगे, मिठाई रखी है सामने, क्योंकि वो जिस वक्त आए खाने का टाइम नहीं था, खाने का टाइम खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ तो खिला था, और सेकंड डे था वो ईद का, हम लोग घर पे ही नहीं थे, सारा दिन बाहर थे, तो कुछ बनाया ही नहीं, तो जो मैंने एक मिठाई बना के खुद अपने हाथ से रखी थी वो रख दी उनके सामने, कबाब रख दी, और मैं शर्मिंदा हो रही, आप आए मेरे घर में क्या खिलाऊं, शर्मिंदगी इस बात की होती है कि हम
कुछ चीजें दे जो हम चाहते हैं वो नहीं सर्व कर सकते। लेट ऑर्डर इतना लेट हो गया, फिर शर्मिंदगी भी हो रही थी, वो बेचारे 8:30 के आए हुए थे, हमने उनको 11:30-12 बजे बहुत बिठा बिठा के रखा, नहीं जाना डिब्बों में फ्रीज कर दो अचानक तक अचानक वाला। बिरयानी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद किस्सा सुनाओ। ओके जी, बाकी कहानी हम बाद में सुनेंगे। सामिया तुम भी तैयार हो और मारिया तुम भी तैयार हो। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी ईद के किस्से आपकी नजर। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो जी हम धुआंधार किस्से सुना रहे थे, मजे मजे की बातें। हर किसी के घर में ईद पे इसी तरह कुछ होता होगा, एकदम मेहमान आ जाते हैं, आपने कहीं जाना होता है या आपने ये प्लान किया होता है कि हम बाहर से मंगाएंगे तो ये होता है। हाँ जी कंटिन्यू। हाँ तो भी ये था, लेकिन उसमें भी एक अलग मजा होता है और अपने अपनों के साथ ईद मनाना, खाना खाना। हाँ। और देखिए वो अपने थे तो वेट किया ना, अगर अपने ना होते तो कभी भी वेट ना करते, वो चले जाते माइंड करके, लेकिन अपनों अपने लोगों की यही निशानी होती है, वेट करते हैं और वो भी हमारे प्यार में दुख दर्द में साथ होते हैं। अच्छा मुझे सबसे पहले जो ना मुझे दुख जो था वो मुझे तकरीबन 25 से 26 रोजे को हो गया था, मुझे दुख हो गया था क्योंकि मुझे सेकेंड ईद को मालदीव जाना था। तो तुम्हें दुख क्यों हो गया था? क्योंकि वो बॉर्डर्स बंद हो गए, हमें अलाउ नहीं किया, सारी चीजें बंद हो गई, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, टिकट सब कराया, सब कुछ हो गया था, सारी चीजें हो गई थी। मैंने कहा चलो मुझे छुट्टी है तो मैं चली जाती हूँ 4-5 दिन के लिए, 6-6 दिन वापस आ जाएंगे तो एंजॉय कर लेंगे, लेकिन वो जो है बस मुझे दुख था क्योंकि मैंने थोड़े बहुत अपने कपड़े वगैरह निकाल के अपने लगेज भी थोड़ा थोड़ा तैयार कर लिया था, माइंड आपका बन गया था, माइंड बना था मैं थोड़ा पैक करना शुरू कर दूंगी, ये कर दूंगी, तो फिर मुझे बड़ा वो दुख भी हुआ था कि ये क्या हो गया। तो ये मेरे लिए होता है दुख, हमारा भी फैमिली का प्लान था एक दूसरे निकल दिन निकला नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चले अल्लाह ताला की बेहतरी होती है, आगे हमें हमारे लिए कुछ अच्छा नवाज देगा, तो ये करके ना थोड़ा सा दिल को बहला लिया, लेकिन दुख तो अभी भी है। ये सोचो टिकट लेकर वो रिफंड वाला सिलसिला नहीं हुआ, वरना उसके अंदर बड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाता और पैसे फंस जाते, तो वापस कर देते हैं क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी कर देते हैं लेकिन उसको टाइम लगता है। हां तो बुकिंग्स भी रिटर्न हो जाती है तो कोई मसला ऐसा नहीं है। तो ये मुझे दुख था, बाकी तो अल्लाह का शुक्र है अच्छा फरीजा था और एक हमारी सुन्नत थी, हमारा फेस्टिविटी था, फेस्टिवल था, हमने जो बहुत अच्छी तरीके से मनाया, बहुत मजा आया। हाँ जी भाई सामिया आगे हम तुम्हारी चांद रात की तरफ। फाइनली चांद रात तो वही था कि मेरे हमने अपने घर पे गेट टुगेदर अपने फ्रेंड्स की रखी थी और वो बहुत लेविश थी, मतलब बहुत ही कोई ज़बरदस्त था कि मैंने पूरा फर्शी सेटअप लगवाया था, पूरी अरेबिक थीम थी, हम सब ने एक दूसरे को खाने डिस्ट्रीब्यूट किए हुए थे, उसकी पिक्चर्स अगर देखे मैंने पूरा रेड ड्रेस पहना था कटवर वाला और ये मैंने मेहंदी जो है वो हमारी ही सलोन भी हमने बुलाया था क्योंकि उसकी जो ओनर है हिफ्सा वो दोस्त है मेरी, तो वो भी इन्वाइटेड थी, राफिया भी थी, उम्मे राहील भी आई हुई थी और परवशा अब्रार भी थी हमारे साथ, तो बड़ा जबरदस्त हम लोगों ने जो ना ये किया हुआ था और मेरे घर के ये कारपोच भी हुआ है, तो हम सब ने यही बैठ के खाना पीना और बड़ा हल्ला गुल्ला सब मचा था और ये हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड्स थी तो हम लोगों ने सब कुछ किया और बहुत मजे का खाना था, बहुत सारे मीठा था, बहुत सारा नमकीन सब बना के लाई थी, खुद सब बना के लाए थे। अच्छा, सब बना के हमने वन डिश कर ली थी कि किसी पे भी कोई वो ना हो ना यही चाहिए। और ये मुझे कपड़े गुलजेल ने दिए थे तो वो मुझे ईद पे पहनने को दिया था, लेकिन वो चांद रात का क्योंकि बड़ा एक अच्छा होता है, मैं अपनी अम्मी के साथ हूँ, अम्मी बैठी हुई जिमल नीचे छोटी सी नजर भी आ रही है, तो हम लोगों ने बड़ा खाना पीना बड़ा मजा मेहंदी लगाई और बड़ा इंजॉय किया, जब जैसे ही 11:30-12 जब हम खाना ही खा रहे थे तो अनाउंस होता भाई हम लोगों ने गाना गाना शुरू कर दिया, भाई आज तो कि मैं झुटपुट की चांद रात बन रही थी एक तरीके से, एक गेट टू गेट थी, चलो भाई तो चांद रात ही हो गई। काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी कि आपको क्या पता था कि आज चांद रात होगी, नहीं भाई हम दावत ही कर रहे थे, लेकिन वो चांद हो गया तो फिर हमने उसको बड़ा एंजॉय किया, बहुत मजा आया था। और फर्स्ट डे फर्स्ट डे हम लोगों का पूरी रात, अच्छा ये इस दुपट्टे की भी बड़ी जबरदस्त कहानी, दुपट्टा मैंने खुद पेंट किया है। बिल्कुल ये मेरा और जिमल का सेम कलर, कितना प्यारा है ना आजकल, और लेवेंडर कलर था तो ये बड़ा मैंने खुद इसको पेंट किया, तो ये मैंने खुद बनाया क्योंकि जब मैंने मार्केट पे कॉल की तो ये बहुत एक्सपेंसिव दुपट्टे मिल रहे थे। अच्छा। तो ये जिमल साहब इनका ट्यूनिंग, तो ट्यूनिंग बल्कि ट्रिपल हमने किया, हमदान ने भी पहना है। ओहो वाह, हाँ हमदान ने भी पहना है, हस्बैंड नहीं माने तुम्हारे पर, नहीं हस्बैंड कभी भी नहीं मानते, वो कभी भी नहीं मानते, हस्बैंड भी सब सेम कलर से कभी भी नहीं मानते, तो ये हैंड पेंट दुपट्टा मैंने दो
दिन के अंदर पेंट किया अपना और जिमल का, और पेंट कर देती हस्बैंड का नहीं भाई अरे वो ये कलर्स भी नहीं पहनते, उनकी अलमारी में सिर्फ ब्लैक एंड ग्रे ही होता है। अच्छा, अक्सर लड़की यही करते हैं। अच्छा, और शाम में फिर मैंने जिमल को ये पहनाया था, ये इनका पिंच आपका इसे कलर रहेगा और ये बहुत क्यूट लगेगी, और मैंने ये पहना था ड्रेस अपना, और हमदान का भी जो है वो उस पर पैंट शर्ट है, तो वो क्योंकि गर्मियों को लगती है, उन्होंने जज्बात में आके, उनको इतनी गर्मी लगी थी पर्पल वाले में, उन्होंने दांत से अपनी कमीज भी फाड़ ली थी। मैंने बड़े लोहे के दांत आजकल आए हैं। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल मगरिब के बाद का ये सेटअप था, और मैंने पिक्चर ले लिया था कि, और जो पीछे शीशा वो ड्राइंग रूम है तो वो भी हमने पूरा खोल दिया था, तो पूरा लॉन ड्राइंग रूम सब ये। मैंने तो बलाज को जो है वो पजामा पहनाया था, वो माशाल्लाह उसने खेल खेल के ऐसे फाड़ दिया तो सिल भी नहीं सकता, जगह जगह फटेगा। बलाज क्या कर रहे हो, ये सब फट गया, ओ, उसको पजामा पहनना आता है। अच्छा, ये ईद की सुबह की तस्वीर है कि हम लोगों ने बड़ा कैजुअल सा लॉन का पहना था, उसमें हल्की सी एम्ब्रॉयडरी थी, ये फैशन नेशन का है, इन्होंने हमें ट्यूनिंग करके पीआर भेजा था। वाओ, तो हमें, मेरा और जिमल का सेम हो गया था, तो हमने दिन में ये पहना था कि दिन में हमारे यहाँ लंच होता है, तो काफी सारे लोग हमारे घर पर आते हैं, तो वो खाना पीना ये सब कुछ चलता रहता है, तो ये हमने हल्का फुल्का से पहना था। जिमल के उनको एक हेयर बैंड बहुत पसंद आ गया था मिनी माउस का, जो बिल्कुल कपड़ों से मैच नहीं कर रहा था, उन्होंने वो पहना था, और उससे पहले कि वो रोती, फिर उसके बाद इनको बहुत गर्मी लगी, वो फिर अपने स्लिपिंग सूट की एक जो जर्सी जिसकी मैंने आसी ने काट दी वो उनको पहनना था, इतने सारे लोगों में बहुत सारे लोग नहीं थे, क्योंकि फर्स्ट डे दोपहर में मैं अपने ससुराल में होती हूँ, और शाम में भले दावत हो या ना हो मैं अपनी अम्मी के यहाँ होती हूँ, तो ये मैंने एक प्लेटर बनाया था। अच्छा, हाँ, ये मैंने प्लेटर बनाया था, ये मीठा प्लेटर दिखाओगे दोबारा से? हाँ, ये मैंने पूरा प्लेटर बनाया था, और इसमें शीर कोरमा भी था, ये मैं गिफ्ट लेके गई थी अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि अम्मी जो है वो पूरी ईदी हमारी करती है ना, मेरी मियाँ की, बच्चों की, फिर ईदी देना, तो फिर हमारी तरफ से होता है कि नवासे नवासी की तरफ से गिफ्ट होना चाहिए, तो ये प्लेटर मैंने किया था। ये हमारा डिनर है, हम लोग सेकंड डे गए थे दावत में अपनी खाला सास के यहाँ। अच्छा। तो उनके यहाँ पे बड़ी दावत होती है, तो उन्होंने भी अपने सबको बुला लेती है, तो ये पूरा उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई मेरी डाइनिंग टेबल की जरा तुम पिक्चर ले लेना। अच्छा। तो वो मुझे काम आ गई। तो उन्होंने भी बड़े मजे मजे के खाने बनाए थे, और एक चिकन कढ़ाई बनाई थी उनकी भी कुक ने, और खुद उन्होंने उनकी बेटी ने मिलाया बनाया था, बहुत मजे का था, पूरी गेट टुगेदर थी। अच्छा, मेरे इन लॉज पिक्चर्स नहीं खिंचवाते, मतलब खुद लेते लेकिन इजाजत नहीं उनकी पिक्चर्स पोस्ट करने की। हाँ। तो वो मैंने नहीं दी थी, अम्मी लोग जरा चिल है तो दे देते, आदि शुरू से देख रहे। हाँ। तो नहीं होता। हाँ। तो बड़ा अच्छा था। सेकंड डे मेरी खाला सास की अम्मी होती है और मेरी अम्मी की अभी दावत होती है। अच्छा। तो मैं दो दफा अम्मी के यहाँ जाती हूँ, पहले दिन भी जाती हूँ मिलने सलाम करने, और सेकंड डे तो फिर दावत होती है, तो अम्मी की पूरी खाला पूरा ननिहाल जदियाल इन्वाइटेड होता है, और मेरे ससुराल में भी उनके तरफ के लोग भी इन्वाइटेड, एक ही वक्त पे होता है, एक ही वक्त पे होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि अपनी मेरी अम्मी के तो बड़ा लेट नाइट तक चलता है, तो पहले मैं अपनी खाला सास के यहाँ जाती हूँ, फिर 9:30 बजे वहाँ से उठ के फिर मैं अपने घर, क्योंकि अम्मी से तो मिल चुकी होती हूँ, तो वो फिर जरा वो नहीं होता ना, जब तब इत्मीनान हुआ हुआ होता है कि मतलब बड़ी ज़्यादा जल्दी नहीं होती है कि आप मिल चुके हैं, तो बस फिर 9:30-10, और ये सब करीब करीब घर के हमारे रहते हैं, तो दो गलियां पीछे, तीन गलियां आगे, तो इतना ट्रैवलिंग कभी नहीं। नेक्स्ट डे क्या किया फिर? ये तो पहले दिन का, ये तो ये सेकंड डे का है। अच्छा, ये सेकंड डे का, दो दावत एक साथ थी, और मेहंदी का ये था कि जो बता रही थी कि चांद रात को जो हमें दावत मेहंदी वेहंदी सब लग गई थी, तो फिर हम लोगों ने सबने प्लान किया था कि चलो जरा राउंड लगाकर आते कि बाहर हो क्या रहा है, तो भाई ये हमने किया था, जो कि बड़ा मजेदार था। मार्केट खुली हुई थी, खासतौर पर लड़कों के चप्पलें, बेल्ट, चश्मे, आधी दुकानें खुली थी, और खासतौर पर ठेले वाले नहीं होते, जो एक कार्ड की चीजें होती है वो सब खुली हुई थी, तो बड़ा हम लोगों को मजा आया, हम लोगों ने बहुत चाय पी। मैंने तो शॉपिंग नहीं की थी, तो मतलब लाइक मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह मुझे भी हम लोगों को भी था कि जगह जगह क्या है, कुछ मार्केट्स खुली थी, इमीडिएट मार्केट जहां पुलिस नहीं पहुंच पाई थी, वरना पुलिस सबको बंद करवा रही थी, अंदर की मार्केट्स खुली नहीं थी, ग्रोसरी स्टोर सारे खुल गए थे, ग्रोसरी तो इजाजत थी, गोश्त ये देखिए इतने मजे का मीठा, ये सब वो बनाया था, बड़ा मजे का हुआ था। तो मेरी जो चांद रात से लेके टूवर्ड्स थर्ड डे जो बड़ा मजे का रहा, वो इस तरह कि हम लोगों ने अपनी एक दोपहर का एक गेट टुगेदर इंजॉय किया, हमारी एक फैमिली फ्रेंड थे उनके हमने इंजॉय किया, उसके बाद जो है वो हम लोग हाईवे चले गए, तो मैं उसामा बच्चों को, तो वो पिक्चर्स भी शेयर की हुई, ये मारिया की लगा दी इन्होंने, तो वो हम लोगों ने बच्चों को, मैं पीछे की सारी सीट्स को नीचे फोल्ड किया, वहां पे हमने बिछाया गद्दा, चादर, हाँ वो मैंने वीडियो देखी थी, वो बच्चों को वीडियो
मैंने भेजी है वो तो पूरा बिस्तर बनाया था इसने और एडिट बिल्कुल सही नहीं किया इतनी सारे हमने मटेरियल भेजा था और सामा की पिक्चर भी वो एक ही पिक्चर है जो सामा के साथ मेरी मटेरियल इतना भेजा था सारा इतना मटेरियल था खाना भी नहीं दिखाया कुछ भी नहीं दिखाया तो उसके बाद जो है ना बड़ा अच्छा जो है वो हमने हाईवे गए तो नूरियाबाद तक गए नूरियाबाद पे फिर हम लोगों ने मेरा उसामा क्योंकि हम इतना थक गए थे थ्रू आउट इस रमजान आप लोगों के साथ भी हम लोग थे और हम लोग सब लोग बहुत वर्किंग कर रहे थे तो फिर हम लोग जब वहाँ गए तो हमने वहाँ पे ढाबे पे बैठ के फिर हम लोगों ने चिकन कढ़ाई और माश की दाल और वो पतली वाली तंदूर की रोटी उसको इंजॉय किया गाड़ी वाली क्यों नहीं दिखाई बड़ा मजे का वो था नहीं आई है नहीं आई है अच्छा तो ज़िबल हमदान बड़े लेटे हुए हैं और उस पे सो गए ब्लैंकेट्स भी थे वो बड़ा हमारा वो पिकनिक बन गई पिकनिक स्पॉट और बड़ा अच्छा ऑर्डर किया मतलब गाड़ी में बैठे नहीं गाड़ी में ही हम तो चले गए थे नूरियाबाग के थे वो तो खुला था वो नूरियाबाग पर हाईवे ना सुपर हाईवे के ढाबे वाबे खुले ढाबे वो भी बहुत आउटडोर आउटडोर था लेकिन नहीं सारे सब रेस्टोरेंट्स बंद थे मगर हाईवे पे जो है ना हाईवे पे भी शुरू में बंद थे शुरू के सारे जो नामी गिरामी है वो सब बंद थे लेकिन आगे जो है वो सारे ही खुले हुए थे लेकिन अच्छा रहा मजा आया हम लोगों को आदत हो गई कि हमें अब इस पूरे लॉकडाउन में और इस कोविड के अंदर कैसे अपनी फैमिली को टाइम देना है इनफैक्ट मैं बताऊं कि बहुत सालों के बाद अम्मी के घर का जो टाइम था इनफैक्ट खाला सास का भी बड़ा लंबा था वरना हपड़ तपड़ यहाँ जाना यूँ होता था और जो हम लोग की पहली दफ़ा शादी को माशाल्लाह मेरे इतना साल हो गए इस साल 8 साल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह तो उसमें पहली दफ़ा मैं उसामा बच्चे हम लोग बाहर निकले थे ईद पे वही ना हबर दबर रहती है कि हमने एक ही दिन में तीन तीन चार चार जगह जाके मुंह देना है अपना कोरोना ने हम लोग को बहुत लिमिटेड कर दिया और जाने में सुकून से बैठते हैं अच्छा जिम्मे को ईदी का सेंस आ गया था असल में उनको ये समझ नहीं आया था कि ईदी मेरी है तो ये मेरे बैंक में आने वो अपनी अम्मा के ही बैंक में दे रही थी मेरे बड़े मजा आए लेकिन जब उनको ईदी मिलती थी वो भंगड़ा करती थी वो भंगड़ा समझ में नहीं आ रहा मेरा बेटा मेरे पीछे पड़ा हुआ है कहते हैं ये ईदी लेके शारे फैसल चले मैंने कहा शारे फैसल जाके क्या करें मनी एक्सचेंज करें डॉलर लेके दे तुम आईपैड से कैसे डॉलर डालोगे फिर मुझसे उसने पूरा प्रोसीजर पूछा कि ऑनलाइन शॉपिंग कैसे होती है अगर मैं डॉलर नहीं दूं तो क्या करूं क्या आपको दे दूं तो आप अपना क्रेडिट कार्ड मुझे उधार रख लिया जब कोई ईदी दे रहा है अम्मा शारा फैसल जाना है भाई शारा फैसल क्या करूं मजे का सीन था कि हम इस्लामाबाद एक ईद पे यहाँ आने से पहले हम ना शोरूम देख रहे थे गाड़ी चेंज करने के लिए और जब शामी को बड़ा शौक है गाड़ियों का ना तो एक उसको गाड़ी बड़ी अच्छी लग गई कि वो सनरूफ भी है बड़ी भी है ये वो घर आके मुझसे कहता है कि मामा वो गाड़ी लेने चले वो घर क्यों नहीं आई गाड़ी मैंने कहा बेटा पहले पैसे आप जमा कर लो तो गाड़ी आएगी अब मजे का सीन है ये चीज ना उसके दिमाग में बैठ गई जब वहां पर उसको ईदी सब मिलना शुरू हुई वो 50 के नोट मिले उसने सारे एक जगह किए और फिर बाद में मुझे जाके बोलते हैं मामा ये ले 50 ये पैसे और इसे अब गाड़ी लेकर अच्छा हम लोग तो ये करते हैं कि जिमल के साथ हमदान तो खैर अभी बिल्कुल ही छोटे तो उनको कुछ भी नहीं पता है तो जिमल को हमने हर एक उनके साथ प्रैक्टिस में कि जब उनको कुछ भी मिलते जितने भी पैसे मिलते हैं वो होते तो मेरे ही हैं क्योंकि हम भी तो इतना खर्चा करते हैं छोटे उसमें से उनको एक टॉय दिलाते जो उनको क्योंकि टॉय दिलाते हैं अब उनको आजकल शौक पड़ा हुआ है बास्केटबॉल का तो उनको अभी रिसेंटली उनके बाबा ने पूरा कल जाके उनको पूरा बास्केटबॉल का सेट दिलाया है जिसमें उनके जॉगर्स भी आए हैं नए उनके नी पैड्स भी आए हैं उनके एल्बो पैड्स भी आए हैं उनके हेलमेट भी आया है तो मैंने कहा कि हेलमेट क्यों आया है कि गिरे तो मतलब बाबा उनके हेलमेट और कौन सा लाए साइकिल वाला अच्छा पता है जैसे मेरे दो जो बड़े बच्चे हैं वो जब छोटे थे उनसे तो हम ईदी लेके रख लेते थे मैं कहती थी लॉक में और सारी जिंदगी ये कहती थी लॉक में और वो सारी सारे साल ये बोलते रहते थे ईदी में से ले लीजिएगा और जो क्या खर्चा करें ईदी में से और ये जो तीसरा वाला बच्चा है इतना तेज मैं उसका जो पर्स लेकर ईदी से भरा हुआ अपने पास रखूँ घुमाना दे फिर थोड़ी देर बाद आ जाए मुझे दे दे जेब में रखने के लिए फिर यासिर कहे लाओ मुझे जेब में दे दो इधर उधर ना छोड़ दो पैसे भरते जा रहे हो उसमें फिर थोड़ी देर बाद आ जाए चेक करने के लिए गिनता रहे चेक के ये मेरी ईदी तो नहीं इधर उधर की मतलब कि उसने हमें नहीं खर्च करने दिए बच्चे तेज ही खेलते हैं अच्छा मुझे याद है भाई वो मेरा तो बड़ा वाला है वो तो कहता है अपना जो ईदी लेके कहता है मैंने भाई ये ईदी तुम मुझे दोगे तो मैं आगे इसमें दूंगी ना वो कहते हैं नहीं खुद ही दो क्योंकि मेरा भी यही है कि बच्चे भी छोटे समझ रहे हैं तो हम करते यही है कि उनकी जो ईदी आती है ना वही आगे फॉरवर्ड कर देते हैं नहीं आगे पैसे डाल के आगे दे देते हैं
साथ तो बड़ा मजा आता था जब मैं ये बलाज की उम्र की थी और जब मुझे सेंस हुआ कि मुझे ये ईदी मिलती है, ये मेरे पैसे होते हैं, अम्मी लोग तो झूठ बोल के ले लेते हैं, डकैत हैं। तो मैं क्या करती थी, हाँ, तो उस वक्त 100 रुपए जो है वो 1000 रुपए के बराबर होते थे, तो मैं कहती थी बंदा वो नोट बंद दे, 10-10 रुपए के खुले खुले नोट दे, क्योंकि फिर वो अम्मी लोग इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो मैं ये बोल के तो अम्मी इतना शर्मिंदा होती थी, घर आके इतनी क्लास होती थी मेरी, ये क्या बदतमीजी लगा के तुमने रखी है, खुले खुले नोट दे, कोई ऐसा बोलते। मैंने कहा मुझे सब पता, आप लोग सब जमा कर लेते। मुझे मेरे दोस्त के भाई ने बताया था, वो बैठा के सबको क्लास दे रहे थे, ये ईदी अम्मी लोगों को मत देना, वो लोग ले लेते, अच्छा मैं तो ये बताऊंगी, जैसे कि 5 बम यहाँ फूटे, छठा मेरे ऊपर फूटा था चांद रात वाला, क्योंकि मैं तो ये डिसाइड करके बैठी हुई थी कि शहरी में क्या बनाना है, वो मैं पूछ रही थी, क्योंकि मैं न्यूज से बहुत दूर हूँ, मैं बिल्कुल नहीं देखती। तो मैं तो नीचे गई कि अच्छा आप बताएं शहरी में क्या बनेगा, तो उन्होंने मुझ पर बम फोड़ा कि ना तुम ऐसा करो, अभी ना अनाउंसमेंट शायद होने वाली, तुम सुबह की तैयारी करो। मैंने कहा सुबह की क्या तैयारी करूँ, सहरी तो करनी, कह रही नहीं नाश्ते कर, क्योंकि सुबह ईद के फर्स्ट डे का नाश्ता मेरे जिम्मे होता है, नाश्ता। अरे तो बाप रे, मेरी तो लगे कि पांव तले जमीन निकल गई। मैंने कहा हालांकि सामान तो मेरे पास है, लेकिन सब फ्रीज और बिल्कुल पत्थर वाला ना, कि मुझे लगता है डिफ्रॉस्ट भी नहीं हुआ। अब हमें टेंशन, अब मुझे, मैंने कहा चलो ये कह रही है अनाउंसमेंट का होगा, होप हो गया नहीं। 5 मिनट बाद नीचे से सारा घर ऊपर हमारे फ्लोर पे दौड़ा चला रहा है, चांद नजर आ गया। नहीं आया। अच्छा दिल चाह रहा है कि आ गया, लेकिन मैं चाह रही हूँ नहीं तुम लोग पागल हो। फिर वो कह रहे हैं न्यूज, सब लोगों ने मुझे भी इसी से जैसे इनका दिमाग तक कर दिया, मुझे भी न्यूज दिखाई कि देखो चांद नजर आ गया। अब वो लड़ाई होगी अपनी अम्मी से, मैं दुपट्टा अपनी अम्मी को फोन करके दिखा रही हूँ, देखे मैंने आर्ट करा, तो कह रही है भाई तुम किसके साथ रोजा रखोगी बता दो, तो मैंने आपको हर वक्त लीड चलता रहता है, कभी मेरी चीजों को अप्रिशिएट नहीं करती, फोन काट दिया गुस्से में आके। फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि वाकई में तो फड्डा चल रहा था, हम तो पेंट कर रहे थे अपना दुपट्टा, में तो पता भी नहीं। अब हमने जल्दी जल्दी सारा सामान निकाला, सब कटिंग वटिंग स्टार्ट की, और ना हम लोग सुबह जो है कटे मसाले का कीमा बनाते हैं, आलू की तरकारी बनाते हैं, पूड़ियां बनाते हैं, हाँ शीर कोरमा बनता है, और बस 2-3 ऑमलेट टाइप बन जाते कुछ ऐसा। अब लेकिन उसकी भी प्रिपरेशन अगर मेंटली प्रिपेयर्ड हो तो ये सब चीजें बहुत इजी लगता है, लेकिन ये इतने शॉर्ट पीरियड में मैंने सारी चीजें निकाली, जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करा, परिहान सर पकड़ी, मेहंदी तो लगा दे। हमने कहा अब हम परिहान पे गुस्सा ना, अभी तुम फूटो यहाँ से, तुम जाओ क्या, मुझे काम करना है किचन। अब वो कह रही है अच्छा थर टीज करने के लिए ना, हर आधे घंटे बाद, जब हमारे दिमाग पे टेंशन की खाना बन जाए, क्योंकि ये लोग नमाज पढ़ के आएंगे उस वक्त तो नहीं हम कर रहे होंगे, इससे पहले पहले। अब परियां थोड़ी देर बाद पिचारी, फिर रोती पिटती अंदर चली गई, ये तो मेहंदी नहीं लगा सकती मेरी यूनियर, सारे डायलॉग मारती अंदर चली गई। बाद में फिर हमारा सारा खाना रेडी हो गया, तो हमें परियां याद आया बेचारे की मेहंदी नहीं लगी, फिर लगवाई नहीं, फिर हमने ना टाइम गुजर गया और उसको ना नींद आ गई उनको, तो चलो दिल को सबर आ गया कि रोती पिटती जाग नहीं रही है, जागती तुम्हारी तस्वीरें हम शेयर करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है ना, वो सारा सेगमेंट तुम्हारा, जाओ तुम्हें दिया ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ईद खत्म हो जाती है लेकिन उसकी बातें खत्म नहीं होती हैं, उसके खाने के जो टेस्ट हैं वो आपके मुंह में रहते हैं, हाय क्या बनाया था शीर खुरमा, हाय। लेकिन अब तो मेरी डाइटिंग शुरू हो गई है तो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, और मैं अब सुनना चाह रही हूँ कि जो तुम ये खाने के नाम तुम ले रही थी ना, हाय मारिया, दिखाएं जरा मारिया की पिक्चर्स भी कि क्या किया इससे, तुमने खाने की पिक्चर्स बनाई थी कि नहीं, सेशन होना चाहिए पिक्चर्स, क्योंकि जिस हिसाब से ईद ने अपनी अनाउंसमेंट की थी ना, अब ये हमने कस्टर्ड भी बनाया था, लेकिन जो है ना ये रात का था, ये रात की कुछ चीजें थी, क्योंकि हमारे ये परिहान की फर्जी की तैयारी थी, ये इनके चाचू ने इन्हें गिफ्ट किया था। अच्छा, और हमारी हालत से अंदाजा हो रहा है, क्योंकि शदीद थके हुए आपके घर ही दावत थी। हाँ बिल्कुल, और ये मिकाइल की सुबह की तैयारी थी, क्योंकि वो नहाने के बाद हमें अवेलेबल नहीं होते पूरे दिन, इसलिए ये हमारा पूरा ससुराल रात को डिनर होता है, लेकिन इसमें बहुत लोग कम हो गए अब, क्योंकि कोविड की वजह से सब लोग एहतियात करते हैं, ज्यादा बड़ी गैदरिंग हमने की भी नहीं थी। नहीं तुम लोग तो माशाल्लाह अपने घर में, अपने घर में। हाँ, तो ये परिहान क्या, परिहान पहले दिन ही चल रही है ये? नहीं, ये हमारे सेकंड डे स्टार्ट हो गया था, ये नमाज पढ़ के सब लोग आए थे पहले दिन, मिक्स है मुझे लग रहा है, मिक्स की हुई है इन्होंने फर्स्ट डे सेकंड डे जैसे, और ये बस ये तो मंचिंग चल रही थी पूरा दिन ही, के जो आता कभी किसी के नाश्ते का टाइम होता, किसी के खाने का टाइम, ये मतलब टेबल पे रहता था। अच्छा हाँ,
फर्स्ट डे हम लोग ने मदर्स डे सेलिब्रेट कर लिया था क्योंकि सब लोग उस दिन आ गए थे, तो अम्मी अम्मी बेचारी तैयार भी नहीं थी, अम्मी बेचारी कपड़ों की वजह से कॉन्शियस हो रहा, हमने तो कपड़े नहीं पहने, मैंने कहा अम्मी हम भी तैयार नहीं, काफी मासी बने लेकिन मदर्स डे सेलिब्रेट कर लिए। तो ये अम्मी के लिए हम लोग सब लोग जमा थे कि सुबह नाश्ते के बाद का टाइम है कि अम्मी को हमने रोका था, हमने कहा था सारी सब लोग चिपक जाओ अम्मी से, सबको देखे सोते सोते फेसेस नजर आ रहे हैं सबके, लड़के सोते भाई सास है कि अम्मी है, सास है हमारी, अच्छा सास। तो ये बड़ा ये फैसल सुबह सुबह हमने जब सब लोग नमाज पढ़ के आ गए थे तो हमने परिहान के तब मेहंदी लगाई थी, तो फैसल से कहा था फैसल हम जरा थोड़ी देर लेटने आ रहे हैं, उसके नेल पेंट लगा दे बैठे हुए नेल पेंट लगा वो तो कह रहे थे कि तुम ऐसा करो मेहंदी मैं लगा देता हूँ, मेहंदी नहीं फैसल बच्ची बड़ी हो रही है बहुत बुरा लगेगा और वो इनकी टिक्किया भी कोई छोटी नहीं हो, कहते इतनी बड़ी टिक्की लगाओ पूरे हाथ पे टिक्किया ना, मैंने कहा नहीं फैसल खौफ आएगा बच्ची को नफरत हो जाएगी मेहंदी से। अब उसके बाद अब अच्छी लगाती हो क्या मेहंदी? हाँ बेहतर लगा लो, फैसल से तो बहुत बेहतर लगा लेते हैं। जमल की मैं खुद मेहंदी वाली भी ना उस सर्कल सही नहीं बनाता, हां कोई नहीं बनाता, अच्छा मैं बहुत अच्छा सर्कल बना, मैं भी बहुत अच्छा सर्कल बना। और परिहान तुमने सुबह मेहंदी लगाई, फिर उनको तैयार व्यार किया, मिकाइल को तैयार किया, नाश्ते के बाद थोड़ा गैप आता क्योंकि सुबह सुबह फिर फैसल लोग अपने डैडी के कब्र पे जाते हैं, कब्रिस्तान जाते हैं, तो वहाँ हमारा ननियाल करीब है, तो हम लोग सब फिर सुबह नमाज के साथ उनके साथ ही जाते हैं, तो नमाज वमाज पढ़ के फिर ये लोग जाते हैं वहाँ पे उनके यहाँ से नानी के यहाँ से होते हुए आते हैं, तो ये ना बहुत हेक्टिक डे हो जाता है सुबह सुबह क्योंकि इतना पूरा रात के थके हुए और उसके बाद सुबह तैयार होके जाना, कभी कभी तो रास्ते में इतनी शदीद नींद आ रही है वो टाइम इतना रिलैक्सिंग होता है, थकान हो जाती है। फिर वहाँ नानी के जाओ तो वहाँ नानी के सब लोग बड़ा इहतमाम करके बैठे होते हैं, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, ईदी की शुरुआत वहाँ से होती है, तो वहाँ से ईदियाँ मिलना स्टार्ट होती है, तो अब तो पहले तो यही वाली बात कि पहले बलाज को सेंस नहीं था, वैसे ही मिकाइल को सेंस नहीं था, अब तो मिकाइल इतना जहर पक्का बच्चा मुझे दे ही नहीं रहा, मुझे परिहान तो पिछले साल से अपनी सेहत के रखने वाली थी, अब की मिकाइल मेरे ऊपर इतने शेर बन के बैठा हुआ, कोई दे रहा किसी के सामने मिकाइल ने सुन लिया कि हमारी मिकाइल की दिल और मिकाइल मेरी ईदी और इतना सा वॉलेट उसका भरा जा रहा है, जिप टूट गई है, लेकिन वो मुझे नहीं देगा, अच्छी इम्प्रेशन नहीं छोड़ा मैंने, वाकई इम्प्रेशन अच्छा नहीं, क्योंकि परिहान ने इतनी बुरी स्टैंप लगा दी उस पर, एक मेरी तो मत मारी गई थी जिंदगी की, मेरी सारी जिंदगी के लिए स्टैंप लग गई है, क्योंकि मैं अम्मी के फ्लोर पे थी, कोई मेहमान है, मैंने झटपट नीचे खाना रेडी किया, अब हमारा बैग ऊपर, अब हमने खाना रेडी करने का तो मुझे धनिया चाहिए, अब वो मुझे परिहान से परिहान अपनी ईडी में से 10 रुपए दे दो हम धनिया ले लें, अब वो मेरी जिंदगी के सुनहरे हरूफों से लिख दिया गया कि इन्होंने धनिया के लिए मेरी ईडी ले ली, यार वो 10 रुपए मेरे लिए आज तक खत्म नहीं हुए होंगे कभी, नहीं नहीं वो ना याद रहता है कि फलां ने नहीं दिया था ईडी से दिया था उनके पैसे का यार, वो उसमें अब वो दोस्त इतने बड़े भी हो जाए, हाँ अब वो दूसरों को ही बता रही थी ना कि मैं मम्मा को ईडी नहीं दूंगी, इन्होंने मेरे पैसे धनिया ले लिए, अब वो धनिया मेरे लिए जहर बन चुकी है। अच्छा मेरे साथ ही होता था कि मेरी ईदी कभी खत्म ही नहीं होती थी, सूद खत्म ही नहीं होता था कितना, अच्छा मजे की बात है आप ईदी गिनते हाँ। भी रहते हैं, ऐसा लगता है ईदी बढ़ती जाएगी ईदी गिनने से सेकंड अब ईद के सेकंड डे हम लोग गए थे क्योंकि रात का हमारा एक फैमिली डिनर होता है, तो हम लोग फैमिली डिनर जब होता है तो हम लोग अच्छा खासा इत्माम होता है, हमने बनाई थी बलोची कढ़ाई बनाई थी और उसमें पुलाव बना था, शामी कबाब थे और बहुत सारी चीजें, निहारी थी और दो तीन चीजें और थी, और तो उनकी बैंड बज जाती है हाँ, और ईद में मुझे लगता है जिंदगी तैयारी ज्यादा किचन में बीतती है, तो हम बहुत सीधे बच्चे थे, नहीं अब तो बाकी बड़े इंतजाम होते हैं और अगर गर्मियों में ईद आ जाए तो फिर तो आ जाता है मजा जाएगा, इसलिए ना मेरा तैयार होने का इतना दिल नहीं था, जिस हिसाब से गर्मी थी लोगों को अटेंड करना था तो मेरा दिल चाह रहा था जितना रिलैक्स, मेरा तो जान हाइट जोन में सबको अटेंड करती रहो, जितनी गर्मी लग रही थी मुझे, तो मैंने ना रात के डिनर की बड़ी अच्छी से प्रिपरेशन की थी, हमारे घर सब लोग आए, सबने बहुत एंजॉय किया, नाश्ता भी तुम कराती हो रात को भी तुम खिलाती हो, सारे नहीं मतलब उसमें डिशेज डिवाइडेड होती है हमारे कि कौन क्या बनाएगा कौन क्या बनाएगा, लेकिन रात को फैमिली डिनर होता है, सुबह सिर्फ घर के ही मर्द लोग होते हैं ना ऐसे वाला, तो रात को फर्स्ट डे होता है, रात को फर्स्ट डे तो वन डिश करते हो, वन डिश मतलब ऐसे हो जाते हैं कि दो तीन डिशेस मैं बना लेती हूँ, दो तीन हमारी जो नीचे खाना है वो बना लेती, एक दो चीजें आशुभ बना लेते हैं, तो ये चीजें मिलके सब जब टेबल पे आती है, यही चाहिए वन डिश करो ताकि एक चीज पे बर्डन ना हो, माशाल्लाह तो इसकी तो फैमिली फैमिली हां तो ये पूरी टेबल तो हमारी भरी है, खानदान बड़ा ना हो तो सब एक एक ले आओ या कूल इन कर लो, बाहर से बनवा के पैसे डिवाइड करके एक में बर्डन ना फर्स्ट डे, फिर मेरी तैयारी यही हुई लाइट ब्लू वाला सूट जो पहने रात तक, मेरे मैंने यही पहने रहा था, मैंने कहा लोगों को अटेंड करना किचन में, ये एक डोंगा लेके जाओ, चावल लेके जाओ, ये लेके जाओ, वापस जाए तो बर्तन के समेट के रखो, पहला दिन मेरे लिए बहुत हेक्टिक होता है, सेकंड डे में बहुत तरह की तैयार होती हूँ अच्छी वाली,
सेकंड डे की तैयारी होती है जहाँ मैंने यही पहना था सेकंड डे अच्छा बनाया था तो हाँ। मैंने सेकंड डे अम्मी का लंच होता है हमारा दिखाई ना चेंज लग रही है इसके अंदर यार इसमें ना घर का मेकअप है ना घर का मेकअप है ना हल्का फुल्का नहीं बाल थोड़े फिटाए हुए हैं चेंज और नहीं यही है लेकिन ये था कि मैं इन दिनों ना मेरी तबीयत मुझे थायराइड की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि मैं बहुत जल्दी जब मेरी नींद नहीं होना तो मेरा फेस बहुत स्वेल्ड होता है दो दिन से मेरी प्रॉपर वाले नींद नहीं थी इसमें शक्ल भी चेंज लग रही है कड़ी भी तो सबसे पीछे ताकि थोड़ा उसमें भी वो थकान की वजह से तो वो सेकंड डे जब मैं जहाँ बैठ के खाती हूँ मेरी अम्मी का घर है मेरे तो दोनों घर में बिजी लगती है क्योंकि अम्मी के घर पे कोई होता नहीं है तो वो जैसे कि सबको तो क्या मेहंदी ना लगने का वैसे मुझे ही बहुत हुई क्योंकि फैसल को मेहंदी बहुत पसंद है वो कहते हैं कुछ भी हो जाए सुबह भी टाइम मिला तो मेहंदी लगा लो लेकिन वो कहते बस उनको पता नहीं क्या है कहते बस मेहंदी छूटे ना ऐसी कौन सी मेहंदी लाए जब ये छूटती है तो लगता है चिड़िया हके गई है जितने कुछ कुछ होना चाहिए कि अब चौथे पांचवे दिन अगर जब छूटने लगती है कोई ऐसी क्रीम हो जो हट जाए हट जाए नहीं ब्लीच लगा ले ना नहीं होता है खुरदुरा हो जाता है थोड़ा टाइम लगता है स्क्रब करें ब्लीच के साथ स्क्रब करें काफी हद तक स्किन पर ऑरेंज शेड रह जाता है वाट लगा दे ऑरेंज शेड रह जाता है स्किन की वाट लगा दे तो ब्लीच के साथ स्क्रब करें हां ब्लीच के साथ आप माइंड से स्क्रब करें मैं कह रही हूं क्यों वाट लगा दे जादू हो जाए बस यूं मलो और साफा जादू कुछ ऐसा कोई केमिकल जो भी हमें ब्रांड्स देख रही कोई ऐसा केमिकल रिलीज करें कि फटाफट मेहंदी तेजाब राव सही बात है और वो जो खुरदुरापन होता है ना कि स्किन के ऊपर वो उभरी उभरी सी काली मेहंदी भी तो काली टैटू टाइप की जो मेहंदी उतरती है कि नहीं उतरती है स्टिकर लगाओ स्टिकर जब तक लगा रहेगा तब तक वैसे ही लगा रहेगा वरना उतार दो स्टिकर में मजा नहीं आया नहीं वो वाला मेहंदी तो यही है जो ये वाली खुशबू थर्ड डे हमारे दोस्तों का था दोपहर शाम से हमारे सारे दोस्त स्टार्ट हो गए थे उसमें कपड़े भी चेंज हो रहे थे क्योंकि शाम के दोस्तों की अपनी कोई गॉसिप चल रही है मेरा भी दिमाग इन लोगों की तरफ ही लगा हुआ है तो मुझे तो क्या उसमें हमने उनके माइक बंद कर दिए दोस्तों का था दोस्तों में हमें शाम में हमारे अलग दोस्त आए थे जो चैनल्स के थ्रू नहीं थे जो अपने क्लोज थे और उसमें सारे सब लोग मतलब जो हमारे घर आते हैं ना सब बहुत ओपन होते हैं कि बहुत खुले डुले एंजॉय कर होते हैं वरना अक्सर घरों में होता है आहिस्ता बोलो अब्बू सुन लेंगे ये सुन लेंगे वो सुन लेंगे अम्मी आ जाएंगी हमारे घर में सब लोग बहुत चिल होते हैं तो बड़े खुल के एंजॉय करते हैं और सब इंतजार करते हैं कि फैसले घर जाएंगे तो एंजॉय करेंगे म्यूजिक होता है ये होता है वो होता है सब ने रात के लिए हमारे सारे दो बच्चे कहाँ भेज देते तुम लोग नीचे बच्चे भी सारे दंदना रहे होते हैं ऐसे खूब इंजॉय करते हैं अब तो बच्चों को भी आदत हो गई है ना क्या क्योंकि बचपन से ही वो लोग वही देखते बड़े हो रहे हैं हमारे फ्रेंड्स का सर्कल और बढ़ ही रहा है माशाल्लाह और हम लोग बड़ी ब्लेस्ड हैं कि हमारे इतने अच्छे दोस्त मिले कि वो ऐसे हम लोग अपनी फैमिली में बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं उनको बुला के हमारे ईद ईद यही मतलब लाइक ईद का त्यौहार यही होता है कि आप अपनों से और क्लोज हो जाते हैं बिल्कुल बहुत इंजॉय करते हैं खाते हैं पीते हैं कोई डाइट नहीं करते मीठे खा रहे होते हैं अभी दावतें खत्म हो गई है वो जो छोटे छोटे लोगों की नहीं नहीं अभी है नहीं नहीं मेरी तो अभी वीकेंड भी चल रही है अभी फ्राइडे भी है सैटरडे भी है क्योंकि अभी वीकेंड भी आने वाला है और फिर मेरी भी एक पिकनिक प्लान मेरे लिए स्पेशल की गई है कि भाई समरा आई हुई है उसके जाने से पहले भी शिफ्ट हो रही है भाई इस्लामाबाद तो कदर बढ़ जाए ऐसे होता है ऐसा वैसे होता है ऐसा अच्छा मतलब वही मैंने कहा कि दावतें छोटे छोटे लोगों के साथ मतलब थोड़ी थोड़ी गैदरिंग्स के साथ हो रही है इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया है और लोग बड़े परेशान हो गए थे वही घर बैठना वही एक कोविड की बार बार डिस्कशंस हो रही है आप टीवी खोले तो भी आपको वही चीज नजर आ रही है और भाई वैक्सीन कराए इंजेक्शन मेरा दूसरा शॉट भी लग गया चलो जी ये था हमारा आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको मजा आया होगा हमारे साथ बिल्कुल आपने ऐसा ही फील किया होगा जो आपने जिस तरह अपनी ईद सेलिब्रेट की है
और अब ईद के शोज खत्म भाई। बैक टू द वर्क। हां बहुत बातें सुन ली तो हो जाए मेकअप का शो। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बल्कि नहीं सुने, डाइट पे करना जरूरी है शो। डाइट पे, डाइट के साथ सबके वजन बढ़ गए। हाँ खुदा हाफिज। खुली 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 खुली।